बहुत अच्छा है कि हमारे बीच में हमारे श्री संजय प्रभु जी, देखो ये जो माइक है और थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई है? हाँ ठीक है, उसको पीछे कर दो, पीछे वाले उसको सुनो। आप लोग थोड़े से आगे आगे आ जाएंगे, भक्त लोग थोड़े थोड़े आगे आगे, थोड़े सर के जाओ, थोड़े सर के जाओ, थोड़े सर के जाओ। हरे कृष्ण। इसलिए आज हमारे बीच में श्री हमारे गुरु जी की प्रिय शिष्य है श्री हमारे श्री संजय प्रभु जी आए हैं। और प्रभु जी गई में हैं, पहले हमारे जो ग्रंथ जो पत्रिका को हर महीना में प्रभु जी पत्रिका को निकला करते थे, प्रभुपाद आर्टिकल गुरु प्रभु आर्टिकल उन्होंने सब कुछ उन्होंने प्रकाशित किया है। और ये हमारे गुरु जी के शिष्य में एक रत्न है, प्रभु जी एक रत्न है, क्योंकि जो प्रभुपाद को जो विचारधारा है, हमारी जो संप्रदाय की जो सुखमादि जो सूक्ष्म विचार है, प्रभु जी इस सब चीज को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पढ़ करके बहुत अच्छी तरह से हमारी जो फिलोसफी सिद्धांत को बहुत अच्छे तरह से ये कोशिश करते अध्ययन करके और उसको बोलने के लिए प्रभु जी कोशिश करते हैं। बल्कि इतना नहीं इनके अंदर में एक विशेष गुण है, कोई बता सकते हो इनके अंदर में क्या विशेष गुण? यदि ये हमारी जो कोई वैष्णव कोई साधु अगर बीमारी में पड़ जाए ना, अभी हमारे भारत महाराज थे और मेरे गुरु भाई साधु महाराज है, अगर ये कोई बीमारी में पड़ जाए प्रभु जी क्या करते हैं? अपना हाथों से प्रभु जी शादी नहीं किया जीवन में और संपूर्ण जीवन गुरु वैष्णव को सेवा में लगाए। कोई वैष्णव अगर बीमारी में पड़ जाए प्रभु जी अपना हाथों से प्रभु जी पैसा खर्चा करके उनको हॉस्पिटल में ले जाना, उनको गाड़ी में ले करके दिखाना, उनको इतने सेवा करता हम सोच नहीं सकते। कोई वैष्णव अगर बीमारी में पड़ गए तन मन और धन से ये गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया भगवान के निवास कहाँ पर है? बोले संतों की किसका मोबाइल ले, संतों की हृदय में भगवान के निवास है। अगर किसी ने संतों को अगर कोई सेवा कर दिया ना, भगवान खुद कहते हैं मेरे को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं ना अहम पिज्जा प्रजाति भक्त तपस उपसमन बा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु सुसुक्या। हे सुदामा, मैं पूजा पाठ बार व्रत से जितने संतुष्ट नहीं होता हूँ उतना जल्दी संतुष्ट होता हूँ अगर मेरे कोई भक्तों को कोई सेवा करे हैं, क्योंकि भक्तों का हृदय में ही संतों की हृदय में ठाकुर का निवास है। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल उपाय है। इसलिए हमारे प्रभु जी कोशिश करते हैं कोई वैष्णव कोई साधु अगर बीमार भी पड़ जाए जितने हो सके उनका सेवा करने के लिए। भाई प्रभु जी बड़ी सुंदर सुंदर आपको रूप गोस्वामी के वैशिष्ट इनके जीवन चरित्र इनकी शिक्षा के ऊपर में प्रभु आज कृपा करके आए। हम तो कोशिश करेंगे यही रह जाओ, अगर हम कुछ दिन तक हम रूप गोस्वामी कथा करेंगे प्रभु जी थोड़ी थोड़ी रोज रोज बोलते रहे, प्रभु अगर चाहे तो रुक करके यहाँ पर रह जाए। और गुरु जी की कृपा से ये स्थान गुरु जी के आशीर्वाद से ये स्थान मिला है। इसलिए मैं कल बता रहा था कि इसका स्थान है, किसका स्थान है? गुरु जी का स्थान। ये किसी की पर्सनल स्थान नहीं है, किसी की स्थान नहीं, ये हमारे पिताजी का घर है। जैसे पिताजी के घर में जाने के लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं, ठाकुर जी के स्थान के लिए जाने के लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं, उसी तरह ये स्थान गुरु जी का घर मतलब अपना पिताजी का घर, अपना पिताजी का घर है। इसलिए आप लोग अपना पिताजी का घर मान करके यहाँ पर रोज आओ, कीर्तन करो, कथा करो, उत्सव हो। इसलिए पठंती बसंती जनता छात्रा जहाँ पर पारमार्थिक छात्र बैठ करके भगवान की लीला कथा कथाओं को पठन और कीर्तन करे और जहाँ पर आश्रय ग्रहण करे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते रहना, कथा सुनते रहना। प्रभु जी हम लोगों को अच्छी कथा सुना के लिए गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने।
नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे शिशिमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी तिनामिल नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती तिनामिल वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करी चरण वंदन जाहि ते विघ्ननाश अभीष्ट प्रण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु भागवत नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्कर्षत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्कर्षत श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिकर श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय प्रभु। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय प्रभु। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति विनायक श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी मातृ वृंद सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले श्रील प्रभुपाद जैसे कहा करते थे एक कैफियत देना। कैफियत उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन देना कि मैं विशेष रूप से लज्जित हूँ इतना कुछ सुनने के बाद। मुझे वास्तव में नीचे बैठना चाहिए। महाराज जी इतने बड़े हैं मुझसे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि वैष्णव मात्र ही हमारे गुरु हैं। इस न्याय के अनुसार भी हमने बचपन से इनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे याद है हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे वृंदावन जाते थे महाराज जी हम लोगों को बैठकर घंटों सिखाया करते थे हमारे प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। मैं जिस प्रकार से महाराज जी कह रहे थे उसके लिए बड़ा मुझको लज्जा अनुभव हो रही है। आप सबसे क्षमा मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। किंतु वैष्णवों के मुख से हमारे परम गुरु जी कहते थे सब कुछ शोभा पाता है। इसलिए जो कुछ ये कह रहे हैं उसको मैं आशीर्वाद समझ करके केवल अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हम लोग जैसा कि महाराज जी भी बतला रहे थे श्रील रूप गोस्वामी जी के विषय में आप लोग बहुत सारे भक्तों के मुख से जिन्होंने कुछ कहा होगा पिछले तीन दिनों से महाराज जी बतला रहे थे श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में आप लोग सुन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी विदेश प्रचार में जाते थे और लगभग ये समय गुरु पूर्णिमा से पहले वो लौट करके आया करते थे। और ये जो वर्षा काल है चातुर्मास्य का जो ये समय है इसमें बड़े सारे उत्सव हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए आते हैं। गुरु पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक मास तक बहुत सारे उत्सव आते हैं जन्माष्टमी राधाष्टमी गुरु पूर्णिमा इत्यादि। किंतु हमारे गुरु महाराज जी को ये उत्सव शिला रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि जो भी आने वाली है अत्यंत प्रिय था। क्यों प्रिय था? ये वास्तव में हमारा संप्रदाय ही रूपानुग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की एक धूली कणा बनना। आप लोग इन शब्दों से गुरुत्व का अनुभव कर सकते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की एक धूली बनना हमारे साधन भजन का मूल लक्ष्य है। तो ये श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र, श्री रूप गोस्वामी जी की शिक्षा, श्री रूप गोस्वामी जी का भजन आदर्श, ये हम साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान हम सहज रूप में लगा सकते हैं कि हमारे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस गौड़ीय मठ की टॉप मोस्ट अथॉरिटी जिन्होंने इस गौड़ीय मठ को बनाया वो इस बात को कह रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की एक धूली होना। इसलिए हमारे गुरु जी को
ये उत्सव अत्यंत प्रिय था क्योंकि वह एक रूपानुग आचार्यों में उनका एक बड़ा विशेष स्थान है। और वृंदावन में श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में, जिसके इंचार्ज साधारण भाषा में यदि कहें हमारे महाराज जी को हमारे गुरु जी ने बनाया, और इस तिथि का संपूर्ण दायित्व तो इनके ऊपर होता था। मैंने अपने कुछ समय तक केवल शरीर से ही गुरु महाराज जी के निकट में रहने का कुछ सौभाग्य मिला। मैंने अपने कानों से सुना, अपने नेत्रों से देखा, ये गुरु जी के निकट में हमारे महाराज जी आते थे और गुरु जी बड़ा हास परिहास करते हुए इनसे कहते थे कि मैं गुरु जी की भाषा में बता रहा हूँ कि तुम्हारा तो बड़ा खर्चा हो रहा है, क्या मैं कुछ दे दूं? तो हमारे महाराज जी कहते थे नहीं, आपकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। और उत्सव के बाद में महाराज जी गुरु जी को कार्तिक के खर्चे के लिए बहुत कुछ दे दिया करते थे, बहुत अच्छे से सभी भक्तों को निमंत्रण देना, और बहुत अच्छे से गुरु जी का जो वो एक मनोभिष्ट था इस श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि को मना के गुरु जी जो सारे संसार में विशेष करके ब्रज के विद्वानों से कहवाकर और सुनवाकर उनको जो ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रूप गोस्वामी जी का जो वास्तव महिमा महात्म्य है उसकी जो घोषणा गुरु जी किया करते थे, उसमें हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी एक प्रधान स्तंभ थे। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, इसलिए महाराज जी के चरणों में हमारा प्रणाम है और एक प्रार्थना भी है कि आप गुरु जी तो प्रत्यक्ष हम दर्शन नहीं कर पा रहे, गुरु जी तो अप्राकृत वस्तु हैं, हमारे बीच में हैं, जैसा गुरु जी उत्साह दिया करते थे अभी महाराज जी उसी प्रकार से बड़ा अच्छे से सबको उत्साह देते, बहुत छोटा होने पर भी मेरे जैसे बालकों के समान जो इनके शिष्य के जैसे हैं उनको जैसा उत्साह देते हैं, आप कृपा पूर्वक ये उत्साह हमको देते रहिए जिससे कि हम कुछ गुरु वैष्णव की सेवा कर सके। आप लोगों ने कुछ ना कुछ शिरूप शिक्षा के विषय में सुना होगा, मैं संक्षेप में, संभव है कुछ मेरी भाषा जटिल होगी, कुछ ग्रंथों की सेवा करने का प्रयास करते करते भाषा कुछ ऐसी हो गई है, किंतु मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा, आप लोग भी थोड़ा सा मनोनिवेश पूर्वक सुनेंगे तो बड़े ही जटिल विषय को, ये गुरु जी के हमारे सब गुरु जी की कृपा है जो कुछ हम कह रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर और गंभीर विषयों को गुरु जी बड़ी सहज सरल भाषा में समझा दिया करते थे। आप लोग मनोनिवेश पूर्वक सुनेंगे अवश्य ही विषय हृदयंगम हो जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। श्री रूप गोस्वामी पाद षड गोस्वामियों में अन्यतम और श्रेष्ठ हैं। वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, उनमें श्री रूप गोस्वामी पाद श्रेष्ठ और अन्यतम है। श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद ब्रजलीला में श्री रूप मंजरी स्वरूप है। ये रूप मंजरी साक्षात श्रीमती राधा जी का रूप है, सौंदर्य है, शोभा है। श्रीमती राधा जी की जितनी शोभा है उस समस्त शोभा की आकर स्वरूप ये श्री रूप मंजरी है। वो श्री रूप मंजरी ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री रूप गोस्वामी जी होकर के आए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी जाने के पश्चात बहुत सारी महाप्रभु जी ने लीला की, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि का उद्धार किया। उसके पश्चात महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं वृंदावन दर्शन करने के लिए जाऊं। ये बालकों को चुप करा दो और थोड़ी देर के लिए, महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इधर मनोनिवेश कर लीजिए, क्योंकि फिर कल जब ये आपसे पूछेंगे तो आप इधर उधर देख करके समय निकाल दोगे कि हाँ सुना तो था, कुछ सुना कुछ नहीं सुना। अभी बीच में किसी की आवाज आई थी कि हम तो 5000 वाली मूर्ति हैं, मैंने सुना जब महाराज जी पूछ रहे थे आप कौन सी मूर्ति हो, 100 रुपए वाली, 500 वाली या 5000 वाली, तो कह रहा था कोई कि हम 5000 वाली मूर्ति हैं। तो अभी हम पूछेंगे कथा के बाद में कि आप वास्तव में कितने हजार की मूर्ति है, तब देखेंगे किसने सुना कितने ध्यान से। इधर ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिये गुरु जी इस बात को बड़ा गंभीरता पूर्वक कहते थे कि हम रूप गोस्वामी जी की तिथि मना रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग है, ये हमारे शब्द नहीं, अगर आप सुनना चाहेंगे हम रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, सुन लीजिएगा। गुरु जी कहते हैं हमने केवल खिलाने पिलाने के लिए हम लोग ये रूप गोस्वामी जी की तिथि नहीं मनाते, हम इतना परिश्रम जो करते हैं, आप लोगों को निमंत्रण देते हैं, हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी रात दिन लग करके जो परिश्रम करते हैं किस लिए, ये जो श्री रूप गोस्वामी जी की शिक्षा है इसका यदि छींटा फूटा भी कुछ आप अपने हृदय में ले जाएंगे, जिसको शिला प्रभुपाद जी की भाषा में कहा जाता भावेर छाप, जो रूप गोस्वामी जी का जो आदर्श है उनके उस भाव की छाप अगर आप अपने हृदय में ले जाएंगे, एक व्यक्ति भी ले जाए तो हमारे गुरु जी कहते थे हमारा ये परिश्रम करना सफल हो जाएगा।
तो केवल बैठना नहीं है कथा में श्री रूप गोस्वामी जी का, और वास्तव में मेरे पास तो कतई समय नहीं है किसी का मनोरंजन करने के लिए, बहुत कुछ और है जीवन में समय जहां पर देना है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हमारी हरि कथा का उद्देश्य, जगत में जो बहुत सारे लोग हरि कथा करते हैं उनकी हरि कथा का उद्देश्य मनोरंजन करना होगा, हमारी हरि कथा का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं आत्मरंजन करना है। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने मन को संपूर्ण रूप में इधर अभिनिवेश करके ये मत समझिए मैं कह रहा हूं, मैं केवल दोहरा रहा हूं, जीवा से सेवा करने की चेष्टा कर रहा हूं। ये सब शब्द, ये सब विचार, ये सब भाव हमारे गुरु महाराज जी के, हम गुरु जी के निकट में रहते थे और कभी गुरु जी ने हरि कथा बोलने के लिए कहा, प्रसंग वश बदला रहा हूं, हरि कथा बोलने के लिए कहा, हम सभा में नहीं गए भय के कारण, तो गुरु जी ने कुछ शासन किया और शासन करने के पश्चात हम तो छोटे थे, अब गुरु जी तो जानते हैं अधिक शासन कर देंगे तो ये बद्ध जीव कैसे शासन स्वीकार करेगा। तो गुरु जी ने बड़ी प्रीति पूर्वक निकट में बैठा कर इस बात को कान में मंत्र के रूप में बतलाया, जिसको हमने गांठ मार लिया। गुरु जी ने कहा यदि मैं तुमसे ये कहूं कि मुझको एक गिलास पानी दे दो तो क्या तुम दोगे? मैंने कहा जी दे देंगे। तो गुरु जी ने कहा उसी प्रकार जब मैं तुमसे कहूं कि तुम हरि कथा बोलो तो तुम ये अभिमान मत करो कि मुझको क्या आता है या मुझको क्या नहीं आता, मैंने तुमको आदेश दिया तुम हरि कथा बोलो, जितना तुमने हमसे सुना है जितना तुमने हमसे सीखा है तुम उतना कहो, यदि उसमें कोई दोष त्रुटि होगी हम उसका संशोधन कर देंगे, तुम इसको सेवा समझ करके कहो। तो हम केवल अपनी जीवा से गुरुपाद पद्म की वाणी सेवा करने की चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई कर्तव्य तो नहीं है, ये गुरुपाद पद्म के शब्द हैं, इसलिए इनको बहुत गुरुत्व देना चाहिए, ये गुरु जी के शब्द हैं, गुरु जी की बातें, गुरु जी का विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और वो जगन्नाथ पुरी चले गए। उस समय के पश्चात महाप्रभु की इच्छा हुई मैं वृंदावन दर्शन करने जाऊंगा। महाप्रभु वृंदावन दर्शन करने गए, मार्ग में एक स्थान है पश्चिम बंगाल में मालदा, जहाँ के आम बड़े प्रसिद्ध हैं। उसके निकट में एक स्थान है रामकेली ग्राम, मालदा से 14-15 किलोमीटर दूर एक स्थान है रामकेली। श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद और उनके एक भाई थे अनुपम, वो उस समय में वही निवास करते थे रामकेली ग्राम में। बहुत सारे इसके बीच में भी प्रसंग है, मैं उनको स्पर्श नहीं करूंगा, कुछ समय संक्षिप्त होने के कारण मूल विषय कुछ बदलाऊंगा। महाप्रभु जी रामकेली ग्राम में पहुंचे, श्री रूप सनातन जी के साथ में उनकी प्रथम भेंट हुई। महाप्रभु के साथ में, महाप्रभु के प्रभाव से बहुत सारे लोग, लाख लाख लोग महाप्रभु जी के साथ में चल रहे थे, हम भी आपके साथ में, हम भी प्रभु के साथ में वृंदावन जाएंगे। किंतु जब एक मुसलमान यवन राजा जो उस समय का था हुसैन शाह, उसने जब देखा अरे ये कौन सन्यासी है जिनके साथ में इतने सारे लोग जिनका अनुसरण कर रहे हैं, तो भयभीत हो गया और भयभीत होकर रूप गोस्वामी जी से पूछा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो राजा बादशाह हुसैन शाह के राज्य में एक वित्त मंत्री एक प्रधानमंत्री, बड़े गुरुत्वपूर्ण पद पर दोनों कार्य करते थे, बड़े बुद्धिमान, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता। जब राजा ने पूछा रूप गोस्वामी जी तो महाप्रभु जी के नित्य परिकर हैं, महाप्रभु की कुछ महिमा बतला करके कि ये तो सन्यासी हैं, वृंदावन जा रहे हैं, भावाविष्ट होकर लोगों से कृष्ण नाम करा रहे हैं, इनके साथ में बहुत सारे लोग केवल भक्ति करने के लिए चल रहे हैं, आपको भय करने की आवश्यकता नहीं। राजा को शांत कर दिया। अभी रात्रि के समय श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी से प्रथम भेंट करने के लिए पहुंचे जहां पर महाप्रभु ठहरे थे। किंतु भेंट करने से पहले महाप्रभु जी के साथ में नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी थे। श्री रूप सनातन गोस्वामी पहले नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी के निकट में गए, उनको प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी उनको लेकर के महाप्रभु के निकट में गए। देखिए यहाँ एक शिक्षा है, हमारे गुरु जी कहते थे कि गुरु के प्रति तो सबकी गौरव बुद्धि होती है, ये मेरे गुरुदेव है, किंतु वैष्णव के प्रति सबकी ऐसी गौरव बुद्धि नहीं होती। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के चरित्र के माध्यम से हमको ये शिक्षा दी है कि जैसी गौरव बुद्धि, जैसी मर्यादा, जैसा आदर हम अपने गुरु पादपति को देते हैं वैसा ही सारे वैष्णवों को देना चाहिए। क्यों? वैष्णव मात्र ही गुरु है, हम वैष्णव सब वैष्णवों के निकट कुछ शिक्षा लेते हैं। आप लोगों ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र सुना होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने 2 बार महाप्रभु का चरणाश्रय प्राप्त करने की चेष्टा की, महाप्रभु ने वापस भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी का चरणाश्रय किया, उनसे कृपा प्रार्थना की, तब उनको महाप्रभु मिले। सुनिए कथा, किंतु इससे पहले एक और बात हुई थी।
जो संभव है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी बालक थे, अध्ययन करते थे, उस समय उनके घर में उनके पिता और उनके ताऊ जो गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार बड़े धनी व्यक्ति थे और वैष्णव प्राय भी थे, वैष्णव थे लगभग लगभग महाप्रभु जी के अनुसार, वो अपने घर में बड़ी सुंदर वैष्णवों की इष्ट गोष्ठी किया करते थे। वहां पर हरिदास ठाकुर जी जाते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बाल्यकाल में हरिदास ठाकुर जी की सेवा करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को बतलाते हुए कहा है, रघुनाथ बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुरे न जाई करे न दर्शन, हरिदास कृपा करे न तहार ऊपरे, से कृपा कारण होइलो चैतन्य पाई मारे। नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने से भी पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व तो है, उनकी कृपा प्राप्त करने से भी पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वैष्णव हरिदास ठाकुर जी की कृपा प्राप्त की। ये गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त होने पर तब भगवान की प्राप्ति होती है। श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी के चरित्र से महाप्रभु ने यही शिक्षा दी है। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के निकट में पहुंचे और महाप्रभु जी के निकट कैसे गए, दांतों में तिनका धारण करके, गले में दल वस्त्र डाल करके महाप्रभु के निकट में गए, साष्टांग प्रणाम किया और महाप्रभु से अपने हृदय के भाव व्यक्त करके कहने लगे कि प्रभु, हम लोग सारा जीवन मलेच्छों की सेवा करते हुए हमने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी किससे कह रहे हैं? जब गुरु वैष्णव भगवान के निकट में जाए तो ये नियम है, कीर्तन करते होंगे आप लोग जिसमें बताया, गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण धरी दाढ़ा ही वो निष्कपटे। गुरु वैष्णव के निकट में कृपा मांगने जाए, श्री प्रभुपाद जी कहते थे चैलेंजिंग मूड लेकर के जाएंगे तब नहीं होगा। कैसे जाएंगे? ऑनेस्ट इंक्वायरी के साथ, सर्विस टेम्पर के साथ, सेवा करने की बुद्धि के साथ, जिज्ञासा हो, कैसी हृदय में वास्तव जिज्ञासा हो, मैं कुछ जानने आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आपके निकट में जानने आया हूँ, आप कृपा पूर्वक जना दीजिए, ऐसी भावना लेकर के नम्र होकर के जाए। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी गए कैसे, दांतों में तिनका धारण करके, गले में गल वस्त्र डाल करके प्रणाम किया और निवेदन करने लगे, प्रभु सारा जीवन हमने मलेच्छ लोगों के निकट उनकी सेवा करते व्यतीत किया, जो लोग गौ गैया और ब्राह्मणों के प्रति हिंसा करते ऐसे लोगों के साथ हमने अपना जीवन बिताया और इस कारण से हम लोग तो जगाई मधाई से भी अधिक पापी हैं। महाप्रभु ने जब उनकी दीनता पूर्वक वचन सुने बड़े संतुष्ट हुए, संतुष्ट होकर कहने लगे कि मैं तो वृंदावन जा रहा था, मेरा यहाँ पर आने का कोई प्रयोजन नहीं था, मैं यहाँ क्यों आया? कहाँ आए थे महाप्रभु? राम के लिए, राम में। महाप्रभु कहते मैं यहाँ क्यों आया इस बात को कोई ठीक से नहीं जानता, मैं केवल तुम दोनों भाइयों से भेंट करने के लिए आया हूँ, तुम दोनों तो मेरे जन्म जन्म के दास हो, किसी प्रकार का भय मत करो, बड़ी शीघ्र तुमसे मेरी भेंट होगी। ये कहकर महाप्रभु जी ने उनको लौटा दिया। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बतलाते हैं, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का जो आचरण है, जिस प्रकार की दीनता के साथ में श्री रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु के निकट पहुंचे, ये तृणादपि सुनिष्ठा का जो भाव है, ये जो दीनता का भाव है, ये हम गौड़ीय वैष्णवों का आभूषण स्वरूप है, ये गौड़ीय संप्रदाय का आदर्श स्वरूप है। श्रीला प्रभुपाद कहते थे कर्मी संप्रदाय का आदर्श भिन्न है, ज्ञानी संप्रदाय का आदर्श भिन्न है, भक्त संप्रदाय का आदर्श है तृणादपि सुनिष्ठा। ये तृणादपि सुनिच भाव, ये दीनहीन भाव, किंतु ये दीनहीन भाव कैसे आएगा? श्री रूप गोस्वामी जी ने जब महाप्रभु की कृपा से बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर दी, उसमें से उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें श्री रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, उनके भाव देखिए। इन भावों को जानने, सुनने, समझने और हृदय में धारण करने के लिए हमारे गुरु जी और गुरु जी की परंपरा में हमारे पूजनीय वैष्णव इन तिथियों को, इन उत्सवों को मनाते हैं। इनको समझने की चेष्टा करना इन तिथियों को मनाने का मूल उद्देश्य है। रूप गोस्वामी जी के हृदय के भाव क्या है, जिनके विषय में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपम कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। ये रूप गोस्वामी कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापन करने वाले, वो श्री रूप गोस्वामी अपना परिचय क्या दे रहे हैं, ये उनकी दीनता है। क्या कहते हैं? हृदय यस्य प्रेरणया परवर्तितो हम वराक रूपोऽपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। अपने आप अपना परिचय क्या दे रहे हैं, मैं कौन हूँ? वराक रूपोऽपि, मैं तो कंगाल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कौन कह रहा है? श्री रूप गोस्वामी पाद, जिनकी ख्याति क्या है, श्री चैतन्य मनोभिष्ट का संस्थापन करने वाले, वो श्री रूप गोस्वामी पाद अपना परिचय क्या दे रहे हैं, मैं कंगाल हूँ।
मैं जो कुछ लिख रहा हूं केवल श्री रूप को केवल श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से लिख रहा हूं। हृदय से प्रेरणा, ये महाप्रभु ने मुझ मेरे हृदय में प्रेरणा दे करके मुझसे ये सब कुछ लिखवा दिया। ये जो दीनता है, ये दीनता गौड़ीय वैष्णवों का आभूषण है, ये दीनता गौड़ीय वैष्णवों का आदर्श है। ये दीनता कैसे आएगी? श्री रूप गोस्वामी पाद जो ये बात लिख रहे हैं, ये दीनता श्री रूप गोस्वामी प्रभु के हृदय में कैसे आ रही है, वो इस दीनता में कैसे प्रतिष्ठित है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई ये कहता नमो नारायणाय, नमो नारायणाय कहकर प्रणाम करता महाप्रभु को, क्योंकि जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, जीव और ब्रह्म एक है, जीव और भगवान एक है, तो इसलिए वो सारे जीवों को भगवान मान के क्या कहते हैं, नमो नारायणाय, आप भी नारायण का स्वरूप हो। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब कोई ये कहता सन्यासी देखकर नमो नारायणाय, महाप्रभु कान पर हाथ रख लेते, क्या कहते कान पर हाथ रखकर, जीवा धमे विष्णु ज्ञान कभू ना करीवा, अरे जीव के प्रति भगवान का ज्ञान कभी मत करो। वही महाप्रभु जी जो जिनको कोई नमो नारायणाय कहकर के प्रणाम करे तो वो क्या करते हैं, कान पर हाथ रखकर विष्णु विष्णु कहते। उन्हीं महाप्रभु को श्री रूप गोस्वामी नारायण नहीं कह रहे, क्या कहकर प्रणाम कर रहे हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। आप कौन हो? आप साक्षात कृष्ण हो, आप साक्षात कृष्ण हो, आप कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हो। उस समय क्या महाप्रभु जी ने कान पर हाथ रखे? क्यों नहीं रखे, क्यों नहीं रखे कान पर हाथ? जो महाप्रभु नमो नारायणाय सुनकर के कान पर हाथ रखते हैं, रोक देते, निषेध कर देते हैं, जीव अधम को कभी नारायण मत कहो, उनको रूप गोस्वामी पर नारायण नहीं कहकर के कृष्ण कह रहे हैं। कौन सा कृष्ण? जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, और महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व को भली भांति जानने वाले हैं। वो जानते हैं महाप्रभु वास्तव में कौन है, वो जानते हैं महाप्रभु जगत में क्या देने आए हैं। इसलिए जब उन्होंने उस तत्व को जानकर उस तत्व में प्रतिष्ठित होकर के महाप्रभु जी की जब वंदना की, महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया, निषेध नहीं किया रूप गोस्वामी जी को। इसलिए हम लोगों के लिए क्या शिक्षा है? श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे ना, अंधा अंधा या खांत रूपी अमानम बाजी स्तंता गुरु धाम ने बता। हम क्या है, अनुकरण करते हैं देखकर सुनकर, किंतु जिस दिन हम उस तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, प्रतिष्ठित होकर के जब कुछ बात कहेंगे तब उसकी अथॉरिटी होगी, उसका प्रमाण, वो बात प्रमाणित होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पाद जी के इस वचन को स्वीकार किया। श्री रूप गोस्वामी पाद वास्तव में उस दीनता में प्रतिष्ठित है। ये दीनता कैसे आएगी? जब श्रेष्ठ साधु संघ होगा तब वास्तव में दीनता हृदय में आएगी। यदि हृदय में वास्तविक दीनता आ रही है तब तो समझो कि श्रेष्ठ साधु संघ हो रहा है। यदि हृदय में वास्तविक दीनता नहीं आ रही तब समझो श्रेष्ठ साधु संघ नहीं हो रहा। श्री रूप गोस्वामी पाद सदा श्रीमन महाप्रभु जी के संघ में रहते हैं, श्रेष्ठ संघ में रहते हैं, इसलिए उनके हृदय में ये दीनता स्वाभाविक रूप में सब समय विराजमान रहती है। इसलिए हम साधक भी, हमारे गुरु जी कहते थे, हम साधक भी अपने आप को जज कर ले, यदि हमारे हृदय में ठीक ठीक रूप में वास्तविक दीनता आ रही है, केवल बनावटी दीनता नहीं, ठीक ठीक रूप में यदि वास्तव हृदय में दीनता आ रही है, क्या दीनता? मैं गुरु वैष्णव का उच्छिष्ट भोजी दास हूं, मेरे जीवन में जो कुछ मुझको प्राप्त हो रहा है ये गुरु वैष्णव की कृपा है। जब ये भावना हृदय में प्रबल हो, जब हम कनक कामनी प्रतिष्ठा जीवन में जो कुछ आ रहा है उसको निष्कपट भाव से श्री गुरु चरणों में अर्पण करने लगे हृदय से, तब समझिए वास्तविक दीनता आ रही है। और जब ऐसा अनुभव होने लगे तब ये जान लेना होगा कि हाँ, हमारा श्रेष्ठ संग हो रहा है। दीनता का अर्थ ये नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ऊंचा आसन स्वीकार नहीं करना, गले में माला स्वीकार नहीं करना, शिष्य ग्रहण नहीं करना, मठ मंदिर नहीं बनाना, श्रील प्रभुपाद कहते थे ना, ये दीनता का लक्षण नहीं है। गरुड़ जी भगवान कृष्ण के ऊपर में रह करके सेवा करते हैं, कृष्ण जब चलते छाया करते हैं तो कृष्ण के ऊपर है, सखा लोग कृष्ण के कंधे पर चढ़कर कृष्ण की सेवा करते हैं तो यशोदा मैया कृष्ण का कान मल के सेवा करती है, करते तो गोपियां कृष्ण से चरण दबवा कर सेवा करती हैं, होती है तो कृष्ण की सेवा, उसमें कृष्ण की संतुष्टि है। तो हमारे श्री प्रभुपाद जी कहते थे, सेवा करने के लिए हमको जो कुछ स्वीकार करना पड़ेगा हम करेंगे, उससे हमारी दीनता में कोई हानि नहीं होती। समझ आई बात? उससे हमारी दीनता में कोई हानि नहीं होती। गोपियां कृष्ण से चरण दबवाती हैं, यशोदा मैया कृष्ण का कान मलती हैं, सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, इससे कृष्ण को संतुष्टि होती है, इस प्रकार वो कृष्ण की सेवा करते हैं।
इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते थे सेवा करने के लिए जो कुछ स्वीकार करना पड़ेगा हम करेंगे, किंतु ये दीनता जो है ये तो हृदय का आभूषण है, ये हृदय की वस्तु है, ये बाहर में दिखलाने की वस्तु नहीं है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे यदि ठीक ठीक रूप में वो दीनता हृदय में आ रही है तब समझिए हमारा श्रेष्ठ संग हो रहा है। श्री गोस्वामीपाद ने इस प्रकार की जब भावना कही महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया, आशीर्वाद देकर के महाप्रभु आगे बढ़ गए। श्री गोस्वामीपाद उसके पश्चात प्रयाग में द्वितीय बार त्रिवेणी इलाहाबाद प्रयाग में द्वितीय बार महाप्रभु जी से मिले, और जब मिले थे तब उन्होंने श्लोक कहा था नमो महावदन्याय। महाप्रभु ने उसके पश्चात 10 दिनों तक श्री रूप गोस्वामीपाद जी को शिक्षा प्रदान की, जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में श्री रूप शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका पाठ हमारे महाराज जी कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में शिक्षा दी। शिक्षा देकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को वृंदावन भेज दिया। श्री रूप गोस्वामी जी की इच्छा थी, उन्होंने निवेदन किया प्रभु मैं आपके साथ में जाऊंगा, आपका विरह मैं स्वीकार नहीं सहन नहीं कर पाऊंगा। महाप्रभु ने आदेश दिया नहीं, आमार वचन जो मेरा वचन है वो तुम्हारे लिए कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है, जो मेरा वचन है वो तुम्हारा कर्तव्य है, मेरा वचन है तुम वृंदावन जाओ। श्री गोस्वामी जी महाप्रभु जी के आदेश से वृंदावन आ गए। महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था जो आपने सुना, ये चार बातें ब्रजे जाई रस शास्त्र करी हो निरूपण लुप्त तीर्थ सप्ताह करी हो निर्धारण, ये सब जो चार आदेश महाप्रभु ने उनको दिए, ब्रज में जाकर के जो लुप्त तीर्थ हैं उनका निर्धारण करना कहाँ कहाँ है, भक्ति रस शास्त्रों का प्रचार करना, श्री नाम प्रेम का प्रचार करना, श्री विग्रह सेवा को प्रकाशित करना, इस प्रकार जो ये चार आदेश दिए, श्री रूप गोस्वामी पाद उस आदेश को शिरोधार्य करके वृंदावन गए। एक मास तक वृंदावन में रहे, और महाप्रभु जी ने आदेश दिया था उसके पश्चात नीलाचल में जगन्नाथपुरी में हमसे भेंट करने के लिए आ जाना, तो श्री रूप गोस्वामी पाद गए भी, उस प्रसंग को हम सुनेंगे। किंतु उससे पहले एक बात बताऊं, श्री रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश से वृंदावन में गए, और वृंदावन में जाकर के श्री रूप गोस्वामी पाद भजन करने लगे। अब किस प्रकार भजन करते हैं ये हमको सुनना आवश्यक है, कैसा साधन श्री रूप गोस्वामी पाद करते हैं। जब गौड़ देश से बंगाल से अथवा उड़ीसा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी का कोई भक्त जब वृंदावन जाते, श्री रूप गोस्वामी जी से मिलते, श्री सनातन गोस्वामी जी से मिलते, और जब वापस लौट के जाते तो सारे भक्त लोग उनसे प्रश्न करते, अरे ब्रज में सब कैसा है, श्री रूप सनातन गोस्वामी कैसे भजन करते हैं। तो जो भक्त लोग थे वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का भजन आदर्श अपने नेत्रों से देखकर आए हैं, उनका संग करके आए, तो वो बतलाते भक्तों को कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे भजन करते हैं, उनके भजन की परिपाटी क्या थी, और हम भी इससे अनुमान लगाएंगे कि भजन वास्तव में किस दशा तक जो साधन है वो किस दशा तक पहुंचता है। जब भक्त लोग जाते और वो देखते कि श्री रूप गोस्वामी जी का भजन आदर्श कैसा है, कैसे भजन करते हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं श्री रूप गोस्वामी जी की कैसी कैसी उनकी भजन लीला है, वो बतलाते हैं कैसे भजन करते थे रूप गोस्वामी जी वृंदावन में। कहते अनिकेत दूहे अनिकेत दूहे बने जो तो वृक्षगण, दोनों कैसे अनिकेत है, अनिकेत दूहे ब्रजे जो तो वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहां माधु करी, विप्र ग्रह में जाकर के क्या करते हैं स्थूल भिक्षा, विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहां माधु करी, शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहरी, कारोया मात्र हाते कांथा छीड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, अष्ट प्रहर आठों प्रहर तक 24 घंटे अष्ट प्रहर तक क्या करते हैं भजन साधन करते हैं। बड़े विस्तार से श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी का जो भजन आदर्श है हमको सुनना चाहिए, इसको इस उद्देश्य से सुनना चाहिए कि ये भजन साधन की परिपाटी कहां तक विस्तृत है, कितनी उन्नत है, कहां तक भजन साधन जा सकता है। हम तो दिन में कितना समय दे देते भजन को, कितना समय दे देते साधन को, किंतु गोस्वामियों ने जो आदर्श दिखाया है उसको हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक है। इसी को बतलाते हुए कहते हैं अनिकेत दूहे बने जो तो वृक्ष गण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। अनिकेत है, कोई घर नहीं बनाया, कोई भजन कुटी नहीं बनाई, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात शयन करते हैं, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात शयन करते हैं। और विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहां माधु करी, ब्राह्मणों के घर में जाकर के भिक्षा कर लेते, कैसी भिक्षा, स्थूल भिक्षा,
ये नहीं कहते हमको कुछ बना हुआ दे दो, स्थूल भिक्षा करते हैं, कोई आटा ले आए उस आटे की एक लोई बना ली बिना नमक के वही खा ली, इसको कहते स्थूल भिक्षा। कहा माधुकरी और कहीं माधुकरी कर ली, कुछ बचा हुआ मांग लिया। और शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहरे, कभी सूखी रोटी मिल गई माधुकरी में वही चिबा लिया, कभी चना मिल गया वो चबा लिया, सब प्रकार के भोगों का उन्होंने त्याग कर दिया, भोग परिहरे। और आठों प्रहर तक 24 घंटे तक कृष्ण नाम कृष्ण भजन करते हैं और नाम संकीर्तन प्रेमे से और नहे गोम देने। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी केवल चार दंड तक केवल सोते हैं, अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चार ही दंड शयन है, नाम संकीर्तन प्रेमे से वो नहे गोम देने, केवल कुछ एक डेढ़ घंटा कुछ शयन करते हैं, कुछ भोजन करते हैं। और कभी कभी भजन में ऐसे आविष्ट हो जाते हैं कि वो भी छूट जाता है, 24 घंटे में से 22.5 घंटे भजन करते हैं, डेढ़ घंटा केवल शयन है, भोजन है, शौच इत्यादि के लिए। कभी कभी नाम संकीर्तन में ऐसा निमग्न हो जाते हैं वो सब कुछ भी छोड़ जाता है, ऐसी उनकी भजन परिपाटी है। कृष्ण नाम कृष्ण कथा नर्तन उल्लास, संपूर्ण दिवस कैसे जाता है कृष्ण नाम में, कृष्ण कथा में, नर्तन उल्लास में। और क्या करते हैं, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, एक प्रहर तक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुख से चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते हैं। हम लोग कितनी देर कथा सुनते हैं, आधा घंटा एक घंटा, और उसमें भी मन इतना समय विचलित है कि ठीक से थोड़े समय के लिए भी जो गुरु वैष्णव की वाणी है वो हृदय में कुछ कानों के माध्यम से प्रवेश कर जाए उतना भी हमारा अधिकार नहीं। किंतु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन नियम से एक प्रहर 3 घंटा श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कथा सुनते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुख से एकाग्रचित होकर के, जैसे अमृत का पान कर रहे हैं। ये उनके भजन साधन की परिपाटी है, यहाँ तक भजन साधन पहुंचता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे साधन करते करते एक दिन हमको भी गोस्वामियों के जैसा साधन करना है, गोस्वामियों के जैसा साधन करना पड़ेगा जैसे गोस्वामियों ने किया। संख्या पूर्वक नाम गान नदी भी काला वसानी कृतो निद्रा हार विहार का दिविजितो चाहते तीनो चयो, ऐसा भजन करना पड़ेगा। जब ऐसा भजन करेंगे तब वास्तव में भी जिसकी बात सुन रहे थे ना राधा जी की पाल्य दासी भाव, जिस दिन उस साधन तक हम पहुंच जाएंगे जैसा गोस्वामी ने किया, उस दिन हम उस राधा जी के पाल्य दासी भाव को मांगने के लिए हम लोग अधिकारी होंगे। शिलापुरी गोस्वामी महाराज इसलिए कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, सबसे पहले क्या करो अधिकारी बनो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद उस वस्तु की इच्छा करो। जैसा कि बता रहे थे ना अभी, कोई क्रम भंग नहीं करना, सीधे कहीं पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं। गुरुदेव एक बार गुरुदेव खुद बोल रहे थे मेरे को, अभी प्रभु जी ने बताया ना जैसे ये 6 गोस्वामियों ने कैसे साधन भजन किया, जैसे 6 गोस्वामी का अष्टक में आता है संख्या पूर्वक नाम गान नदी भी काला बसान कीर्तो निद्रा आहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीन चतो राधा गुण स्मृतेन मधुरमान सन्मोहितो वंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्री जी गुरुपा। ये 6 गोस्वामी का भजन एक बार खुद गुरुदेव बोल रहे बोले, ये 6 गोस्वामी ने जिसे भजन किया हमारे गुरुदेव साधारण घर से नहीं आए, उससे पुलिस अफिसर थे। जैसे श्रीमन महाप्रभु 26 साल उम्र में अपना पत्नी की प्यार को छोड़ करके मैया के प्रति स्नेह को छोड़ करके जिसे संन्यास किया, हमारे गुरु जी भी ठीक वैसे 26 साल उम्र में गुरुदेव ने सब कुछ छोड़ करके पत्नी, आप लोगों ने गुरु जी के पत्नी को नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है इतने सुंदर, आप तो गुरुदेव को देखो कौन कौन गुरुदेव को देखे हो, गुरुदेव कितने सुंदर थे देखने में, मैंने गुरुदेव को देखा, मुझे पत्नी है ना बड़ी सुंदर थी। लेकिन ऐसे ही महाप्रभु जैसे विष्णु प्रिया को छोड़ करके उन्होंने संन्यास किया, गुरुदेव भी ऐसे ही सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव अपना गुरु जी के चरण में आए, तो छोटी छोटी बालिका को छोड़कर इतने आसानी नहीं, छोटी छोटी बच्ची हो पत्नी इतने सुंदरी हो और पुलिस अफिसर हो उसको छोड़ करके कोई आए कोई साधारण बात है। और गुरुदेव ने बोल रहे थे 6 गोस्वामी ने जैसे भजन किया मैंने कोशिश किया ऐसे भजन करने के लिए, इसलिए एक से जहाँ पर हमारे गिरधारी गौड़िये बैठे ना गुरुदेव वहीं पर हम लोग देखे होंगे जिस समय मंदिर होने से पहले जो जागा लिए वहां पर 2 मंजिल का थोड़ा मकान था, चारों तरफ पानी पानी, गुरुदेव वहीं पर गुरुदेव रह करके गुरुदेव बोलते थे किसी तरह से मैं भी माधुपुरी 2 रोटी ला करके वहीं पर खा लेता था, और कभी कभी एक स्टोव था, कभी कभी थोड़ी सी एक साथ में सब कुछ डाल करके थोड़ी सी खिचड़ी बना दी आप
और उसको खा करके रोज ये गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा। और आप लोग जानते हो गुरुदेव को पास होने में सेवा भी कुछ नहीं किया, गुरुदेव ने नाश्ता से पहले 1,00,000 गुरुदेव हरिनाम करे, 1,00,000 गुरुदेव हरिनाम करते हुए हैं, 1,00,000 हरिनाम गुरुदेव करके उसको बाद नाश्ता लेते थे, फिर सारा दिन और 1,00,000 कितना लाख हो गया, गुरुदेव 2,00,000 हरिनाम करते थे। अगर हम 16 माला हरिनाम अगर कोई करता है ना सवेरे से लेकर रात तक कितना बोले 16 माला ही गुरुदी हो, 16 माला ही गुरुदी, ऐसे भगवान नहीं मिल जाते, ऐसे भगवान नहीं मिल जाते। इसलिए गुरुदेव ने बोले संख्या पूर्व करना, गुरुदेव ने लिप्त नियमित पूर्वक 2,00,000 हरिनाम करना है, नाम ध्यान नदी भी। मैंने गुरुदेव की सेवा की, गुरुदेव को तेल लगा करता था, प्रभु से सेवा की गुरुदेव को, मैंने जब गुरुदेव को तेल लगा करता था, गुरुदेव उसी समय में जितने अष्टक है ललिता अष्टक गिरिराज के अष्टक महाप्रभु का अष्टक नित्यानंद अष्टक राधा रानी के अष्टक गुरुदेव बोलते थे, तेल लगाता था गुरुदेव को, और गुरुदेव सारे अष्टक बोलते थे, गुरुदेव सारे अष्टक गुरुदेव बोलते थे। और नदी भी और काला बसान की तो कभी भी काल को समय को बर्बाद करते हुए, कभी जो भाव का जो लक्षण है ख्याति अव्यर्थ काल, तो कभी समय को नष्ट करते हुए 36 घंटा और जैसे रूप गोस्वामी ये सारे प्रभु जो भजन पद्धति बता रहे करते हुए भी गोस्वामी ने इतने सारे ग्रंथ लिखा। और हमारे गुरुदेव ने क्या कितने ग्रंथों को हिंदी भाषियों के लिए, तो गुरुदेव कितने देन है, इतने गुरुदेव की देन है हिंदी भाषियों के लिए। हमारे गुरुदेव ही ऐसे व्यक्ति हुए जिसने हिंदी भाषियों के लिए जैव धर्म शिक्षा उपदेशामृत मन शिक्षा और कितने ग्रंथों को हिंदी भाषा में, अगर सबसे ज्यादा अगर किसने ग्रंथ प्रकाशित किया, किसने किया है, हमारे श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, बोले श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इतने गुरुदेव ने ग्रंथों को दिन रात, प्रभु तो बहुत संजय प्रभु ने बहुत सेवा की, गुरुदेव का समय कर सारे ग्रंथों को खूब रीडिंग करता गुरुदेव। और गुरुदेव के लास्ट में देखा गुरुदेव जब सारे ग्रंथ प्रकाश कर रहे थे, गुरुदेव का स्कैंडलाइज हो गया है, आपको पता होगा उस समय गुरुदेव ने देखा था ऐसे गुरुदेव बैठ नहीं पा रहे प्रूफ रीडिंग कर लिए, गुरुदेव पूरा ऐसे करते हुए ग्रंथों को यहाँ लेकर करते थे, बोले मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक जितने ग्रंथ करके जाऊंगा लोगों का उतना कल्याण होगा, मेरे बाद में ये सब करने वाले कोई नहीं रहेंगे। और जब कोई शुद्ध भक्त कोई ग्रंथ को प्रकाशित करके जाता है उसका विशेष महत्व, इसका विशेष महत्व है। इसलिए गुरुदेव ने जो 6 गोस्वामियों ने जो भजन किया है, गुरुदेव खुद बोलते थे मैंने पूरा ऐसे ही कोशिश किया, ये 6 गोस्वामी का आदर्श को लेकर के ऐसे साधन भजन करने की, तभी हमारे गुरु जी की इतने महिमा। और इनको पास में ऐसे ऐसे दिव्य रखना हमारे प्रभु जैसे आए, और गुरुदेव का जो इतने जो अच्छे से जो शिष्य लोग गुरुदेव की, तभी गुरु जी, इसलिए जो श्रील गुरुदेव के पास में आए हैं उनसे हरिनाम दीक्षा मंत्र लिए हो, समझो आप लोग बड़े सौभाग्य बात, क्योंकि राधा रानी स्वयं कहती है जब गुरुदेव वृंदावन में थे पुजारी के द्वारा उसको स्वप्न देकर भेजे नारायण गोस्वामी महाराज ने सखी मंजरी उनको प्रसाद देकर कहा। इसलिए आप लोग जो गुरु जी की शरण में आए उनके धारा में आए हो, हैं उनके शिष्य के शिष्यों की धारा में आए हो, हम लोग बड़े सौभाग्यवान है जो किसी धारा से। प्रभु जो बता रहे थे कि 6 गोस्वामी का आदर्श गुरु जी ने पूरा अपना जीवन भी उतार कर लिए गुरुदेव ने, ये सारा दुनिया को उन्हें दिखाए, तभी गुरु जी के नाम सारा दुनिया में जयकार हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी पाद जी को प्रयाग में शिक्षा दी, और शिक्षा देते हुए
एक बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कही कि पारावार शून्य एक गभीर रस सिंधु तोमा चखाई ते तहा कही एक बिंदु। सुनना बात को ध्यान से, कोई द्वार पर आएगा सबकी दृष्टि वहां चली जाएगी। ये जो मैं जो जो रूप शिक्षा को जो विषय को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते थे, तीन दिन तक था हमारे रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र। अभी जो कथा प्रभु जी सुना रहे हैं, महाप्रभु ने अपना मुंह से, महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों मिलकर महाप्रभु, अभी महाप्रभु ने जो अपना मुंह से सिर्फ रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, अभी प्रभु जी जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो यहीं से शुरुआत हो रही थी। हम लोगों ने अभी तो शुरू नहीं किया, प्रभु ने शुरू कर ले। आज इसको ध्यान देकर सुनो, मैं देखूंगा कल मेरे को थोड़ी बहुत बहुत बता पाएगा, जो बता पाएगा उसको इनाम दूंगा। और ये अभी ये कथा को हम कंटिन्यू चार पाँच दिन तक करेंगे, इसलिए केवल ऐसे नहीं संडे इसलिए आ गए, इसलिए हम लोग को लेट रखा, लोग नौकरी से भी आ जाए, नौकरी से भी आ जाए और उसको बाद में आए और उनकी कथा को सुने। और प्रभु जी बता रहे थे ना, गुरु जी के अत्यंत अत्यंत प्रिय था गुरुदेव, सबको इसी तिथि में बुलाए करते थे। अगर हम सोचते हैं गुरु जी के शिष्य हम हैं और उनका शिष्य का शिष्य हम लोग हैं, इसलिए हम लोग जरूर आना, ऐसे नहीं संडे को आ गए उसके बाद सात दिन तक कहीं गायब हो गए, नहीं अभी तक हम हैं, इसलिए कोशिश करना जब तक है तब तक रोज आने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि पौधा लगाए प्रभु जी बोलेंगे, जैसे कि गमला में पौधा लगाए अगर उसमें पानी नहीं देगा तो तब तक जिंदा रहेगा, दो दिन बाद सूख जाएगा, माला छूट जाए, तिलक खत्म, हरिनाम परिणाम को कोई नहीं हुए, क्यों उसमें हम पानी नहीं दे रहे। अभी प्रभु जी सब बात को बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो और मैं देखूंगा कल मेरे को ये बात कौन बोल पाता है, ठीक है। अब प्रभु जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए प्रभु देखना बार बार कहते ध्यान दो, कहना ध्यान दो, ध्यान देकर सुनो, अभी ध्यान देकर सुन सकते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को यह बात कहते हुए कि पारावार शून्य गभीर रस सिंधु तोमा चखाई ते तहा कही एक बिंदु, कि हे रूप श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं जो तुमको बतलाने जा रहा हूँ ये एक ऐसा रस का सागर है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये पारावार शून्य है, इतना गंभीर ये रस का सागर है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, मैं केवल इसको इसकी एक बूंद तुमको पान करा रहा हूं। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को जो शिक्षा दी वो श्री रूप शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके विषय में महाराज जी बता रहे थे। किंतु इससे पहले हमारे गुरु जी एक बात बतलाते थे, हमारे गुरु जी कहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जिससे हमको ये अनुमान भी हो जाएगा कि श्री रूप शिक्षा का कितना गुरुत्व है। हमारे गुरु जी कहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को उस रस सागर की एक बूंद का पान कराया, केवल एक बूंद, और श्री रूप गोस्वामी जी ने उस एक बूंद को अपने ग्रंथों में भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, हंसदूत, उद्धव संदेश, विदग्ध माधव, ललित माधव, इन सब ग्रंथों में उन्होंने भर दिया। और हमारे गुरु जी कहते थे उस एक बूंद का इतना प्रभाव है, उस केवल एक बूंद का इतना प्रभाव कि आज सारा जगत, दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग भी श्री रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों से सब कुछ लेकर हरि कथा बोलते हैं। ये वास्तव में सारी संपत्ति है किसकी, ये श्री रूप गोस्वामी जी की है। तो गुरु जी कहते थे विचार करो कि वो एक बूंद का इतना प्रभाव है, वो रस का सागर कैसा होगा जिसमें षड गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके परिकर राधा कृष्ण जो सब समय निमग्न है, वो ब्रज रस का सागर कितना गंभीर होगा, कितना मधुर होगा जिसकी एक बूंद का इतना प्रभाव हो। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उस एक बूंद को ग्रहण किया और उसको अपने ग्रंथों में भर दिया। मैं एक प्रसंग आपको बतलाऊं इस रूप शिक्षा से पहले, ये तो फिर हम आगे और भी सुन लेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निकट में एक मास वृंदावन में वास करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट पहुंचे। देखो ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य क्या है, ये रूप गोस्वामी जी का गुरुत्व क्या है, जब इसको समझ लेंगे तब हमको ये वास्तव में गुरुत्व होगा कि रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का भी क्या गुरुत्व है, जिस श्री रूप गोस्वामी जी का स्वयं ऐसा गुरुत्व है। अभी महाराज जी बता रहे थे ना गुरु जी का ऐसा वैशिष्ट्य था, फिर उन गुरु जी ने ग्रंथों की रचना की तो हमको कुछ हृदय में कुछ उत्साह आएगा, जिन गुरुदेव का ऐसा महिमा उनके ग्रंथों को देखे, क्योंकि गुरु जी कहते थे यदि तुम मेरे हृदय को जानना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों को पढ़ो, यदि तुम मेरे ग्रंथों को पढ़ोगे तो वास्तव में तुमको मेरा हृदय क्या है तुमको इसका ठीक ठीक अनुमान लग जाएगा।
श्री रूप गोस्वामी पास श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट में पहुंचे। बड़ा रोचक प्रसंग है और बड़ा सुगंभीर, सुनना ध्यान से। श्री रूप गोस्वामी पास जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थान दिया था। जो लोग जगन्नाथपुरी गए उन्होंने दर्शन किया होगा, सिद्ध बकुल एक स्थान है, सिद्ध बकुल जहाँ श्री हरिदास ठाकुर जी रहते थे। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जब भी जगन्नाथपुरी जाते थे वो वही रुकते थे। क्यों? बड़ी दीनता पूर्वक वो जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। यद्यपि उनका शुभ आविर्भाव, उनका जन्म भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु क्योंकि वो मलेच लोगों के साथ में रहे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग जो परिकर हैं, इनको वास्तव में किसी प्रकार का कोई स्पर्श दोष स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु वो वास्तव में जगत में एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसा आदर्श दिखलाते हैं कि वो अपने आप को इतना दीनहीन मानते थे कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि हरिदास ठाकुर रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर है ना जान तीन जन। श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी ये जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे बड़ी दीनता के कारण। मंदिर में प्रवेश की बात दूर, जो राजपथ है बड़ा दंड जिसको ग्रैंड रोड कहते हैं उस पर भी नहीं जाते थे दीनता पूर्वक, कहीं जगन्नाथ जी के सेवकों का हमको स्पर्श ना हो जाए, कहीं हमारी परछाई उन पर ना पड़ जाए, ऐसी उनकी दीनता थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन सनातन गोस्वामी जी की परीक्षा के लिए उनको निमंत्रण दिया गंभीरा में, और वो राजपथ से ना जाकर के वो समुद्र मार्ग से गए। जेठ की गर्मी, पांव में छाले पड़ गए। महाप्रभु ने पूछा उनसे, अरे इतनी गर्मी में क्यों आए, राजपथ से आ जाते। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा यदि छाया का भी स्पर्श हो जाता मेरा अपराध हो जाता। महाप्रभु इतने संतुष्ट हो गए, आलिंगन कर लिया। ये महाप्रभु के भक्तों का आदर्श है, इतनी दीनता थी। तो वो रहते थे सिद्ध बकुल में। उस समय श्री रूप गोस्वामी पाद एक ग्रंथ लिख रहे थे, दलित माधव और विदग्ध माधव। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का नियम था कि श्री हरिदास ठाकुर, श्री रूप सनातन जी ये तो जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन मंगल आरती के पश्चात जो उनको प्रसाद मिलता था वो प्रसाद लेकर के श्री हरिदास ठाकुर जी और श्री रूप सनातन गोस्वामी जब वहां रहते तो उनसे भेंट करने के लिए, उनको दर्शन देने और उनका दर्शन करने के लिए। भगवान भक्त का दर्शन करते, भक्त भगवान का दर्शन करते, महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे। एक दिन महाप्रभु मंगल आरती के पश्चात सिद्ध बकुल में पहुंचे, देखा श्री रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ लिख रहे हैं, उसका नाम है विदग्ध माधव। धीरे धीरे आप लोग सुनेंगे इन सब कथाओं को भी, ये भी बड़े उन्नत स्तर की कथा है, किंतु जानना है, यदि आपका लोभ होगा, आपकी रुचि होगी, तब वैष्णव लोग इन सब ग्रंथों में क्या रहस्य, क्या रस भरा पड़ा है उसको बाहर लेकर आएंगे। जैसे जैसे श्रोता का लोभ बढ़ेगा, ऐसे ऐसे वक्ता जिसका जितना अधिकार वो उतना अपने भीतर से जो कुछ गुरु वैष्णव से ग्रहण किया उसको निकालेंगे। इसलिए मूल बात है श्रोताओं में लोभ होना चाहिए सुनने के लिए, जानने के लिए। श्री रूप गोस्वामी पाद उस समय विदग्ध माधव एक ग्रंथ लिख रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु हठात पहुंचे, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जी ने जब देखा संभ्रम से, सडनली पहुंच गए महाप्रभु जी, झट करके खड़े हुए, प्रणाम किया। महाप्रभु ने बड़ी प्रीति पूर्वक आलिंगन किया दोनों को और रूप गोस्वामी जी से पूछा, क्या ग्रंथ लिख रहे हो? रूप गोस्वामी जी कुछ सकुचा गए, कुछ लज्जा में आ गए, किंतु महाप्रभु ने एक पत्र उठा लिया, एक पन्ना उठा लिया। उस समय तो भोजपत्र ताल पत्र पर लिखते थे। एक पन्ना जब उठाया महाप्रभु ने सर्वप्रथम तो रूप गोस्वामी जी की हैंडराइटिंग को देखा और महाप्रभु इतने संतुष्ट हो गए कि शिरूपेर अक्षर जैनो मुक्तार पांति प्रीत होया करे न प्रभु अक्षर स्तुति। श्री रूप गोस्वामी जी की जो हैंडराइटिंग थी वो इतनी सुंदर थी जैसे मुक्ता पुष्प होता है ना ब्रज में, मुक्ता पुष्प कृष्ण की लीला में मुक्ता पुष्प का वर्णन आता है, जैसे मुक्ता पुष्पों की एक पंक्ति हो, एक लाइन हो। और महाप्रभु जी श्री रूप गोस्वामी जी की हैंडराइटिंग की स्तुति कर रहे हैं, प्रीत होया करे ना प्रभु अक्षर स्तुति, कैसी लिखावट है। उसके पश्चात महाप्रभु जी ने एक श्लोक पढ़ा जो श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री हरि नाम की महिमा लिखी थी। अब बात को समझना ध्यान से और सुनना विषय क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक पढ़ा, किसने लिखा था? श्री रूप गोस्वामी जी ने। किस विषय में लिखा था? श्री हरि नाम की महिमा। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, तुंडे तांडव विनी रतिम विद्रुते तुंडा वलि लब्धाय करण करोड़ कडम विनी घटयते करणार्बुदे गोस्प्रहाम चेता प्रांगण संगति विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियत विरमृते कृष्णेति वर्णद्वय। ये नाम की महिमा श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखी। कैसी महिमा लिखी? श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडव विनी रतिम विद्रुते तुंडा वलि लब्धाय, अरे इस हरि नाम, इस कृष्ण नाम में ऐसा रस भरा है कि जब ये मेरी जीभ पर आता है मेरी इच्छा होती है मेरी कोटि कोटि जीभ हो जाए कि मैं बार बार हरिनाम उच्चारण करूं। जब ये मेरे कान में प्रवेश करता है तो मेरी इच्छा होती है मेरे कोटि कोटि कान हो जाए
और जब ये हरिनाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है, मेरी सारी इंद्रियों को स्तब्धीभूत कर देता है। ऐसी नाम की महिमा, ऐसी रसपूर्ण नाम की महिमा श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखी। जब महाप्रभु ने इस नाम की महिमा को पढ़ा, महाप्रभु इतने संतुष्ट हुए। किंतु जो विशेष जानने की बात है, जो आनंद की बात है, उसको आप सुनो। निकट में बैठे थे हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर कौन है? नामाचार्य। ये नामाचार्य की उपाधि उनको किसने दी? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने। अब आनंद की बात सुनो, श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट्य है। श्री रूप गोस्वामी जी ने नाम की महिमा लिखी, उस नाम की महिमा को जब नामाचार्य ने सुना, उठ करके नृत्य करने लगे। श्लोक सुनी हरिदास भैया उल्लासी, नाचीते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। कौन नाच रहा है? नामाचार्य। क्या सुनकर नाच रहे हैं? नाम की महिमा। यह रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। नामाचार्य रूप गोस्वामी जी के मुख से नाम की महिमा सुनकर उठ के नाचते हैं। क्या कहते हुए? कृष्ण नामेर माधुरी, कृष्ण नामेर महिमा साधु शास्त्र मुखे जानी, नामेर माधुरी एछे कहा नहीं सुनी। ये विचार करने की बात है, बड़ा गंभीर तत्व है। ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है कि जब रूप गोस्वामी जी नाम की महिमा का गुणगान करते हैं, तो नामाचार्य उठकर नृत्य करते हैं, ये कहते हुए कि मैंने नाम की महिमा शास्त्र और साधु के मुख से सुनी है, किंतु ऐसी माधुरी का तो आज तक किसी ने वर्णन ही नहीं किया, मैंने सुनी नहीं। ये रूप गोस्वामी जी की महिमा है, ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। अभी क्या हुआ? महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, रूप गोस्वामी जी को गाढ़ आलिंगन किया और उसके पश्चात विदा लेकर चले गए। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को अपने साथ में लेकर आए, स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी सारे भक्तों को साथ लेकर। और मार्ग में जब आ रहे हैं, तो मार्ग में आते आते महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जी की कोटि कोटि मुखों से प्रशंसा कर रहे हैं। अभी सारे भक्त लोग पहुंचे, कहां पहुंचे सारे भक्त। जब सिद्ध बकुल पहुंचे, तो राय रामानंद जी कौन है? वो महाप्रभु के भक्तों में बड़े प्रधान है। जब उनके सामने महाप्रभु ने इस नाम की महिमा और सारे भक्तों के सामने ये रूप गोस्वामी जी ने जो नाम की महिमा लिखी इसको सुनाया, तो जब सारे भक्त लोगों ने नाम की ऐसी महिमा सुनी, सारे आश्चर्यचकित हो गए। तो कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं कि सब भक्तगण आर रामानंद राय श्लोक सुनी सवार होइलो आनंद विस्मय। सबे बोले नाम महिमा सुनिया छी अपार, एमन माधुर्य के हो वर्णे नहीं आर। ध्यान से सुनना बात। सारे भक्त लोग जब उन्होंने राय रामानंद जी विशेषकर जब उन्होंने रूप गोस्वामी जी के मुख से नाम की महिमा सुनी, आनंदित हो गए। और आनंदित के होने के साथ साथ विस्मित हो गए। क्यों? अरे नाम की महिमा तो हमने इससे पहले बहुत सुनी साधुओं के मुख से, शास्त्रों के मुख से, किंतु ऐसी मधुरिमा, ऐसी माधुरी का वर्णन तो आज तक किसी ने नहीं किया। सब आश्चर्य में पड़ गए। ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। उसके पश्चात महाप्रभु की इष्ट गोष्ठी बैठ गई, सारे भक्त लोग बैठ गए। अब सारे भक्त लोग जब बैठे, तो रूप गोस्वामी जी जो ग्रंथ लिख रहे थे ना विदग्ध माधव, ये राय रामानंद जी के ने महाप्रभु जी के आदेश से रूप गोस्वामी जी से पूछा, बतलाओ क्या ग्रंथ लिखा। अब सुनना बात को ध्यान से, जब ध्यान से सुनोगे तब आनंद आएगा। इसमें क्या रस भरा है, ये शब्द नहीं है, ये वास्तव में रस भरा है, एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में। अब राय रामानंद जी ने रूप गोस्वामी जी से पूछा, क्या ग्रंथ लिख रहे हो? रूप गोस्वामी जी ने बतलाया विदग्ध माधव। तो राय रामानंद जी ने पूछा, बतलाओ नांदी मुखी श्लोक बतलाओ। मंगलाचरण जब ग्रंथ लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, पूछ लीजिएगा कभी पीछे। वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और विषय का, जो विषय वस्तु का, वस्तु निर्देशात्मक, ये तीन प्रकार का मंगलाचरण है। इसको पूछ लेना भक्तों के साथ। राय रामानंद जी ने पूछा, बतलाओ आपने अपने ग्रंथ में मंगलाचरण श्लोक का नांदी मुखी श्लोक बतलाओ, क्या लिखा, ग्रंथ कैसे आरंभ किया? तो रूप गोस्वामी जी ने श्लोक बोला, सुनना श्लोक को। रूप गोस्वामी जी ने क्या बतलाया? उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में लिखा, सुधाना चांद्री नाम अपनी मधुरी मोन मार धमनी, दधाना राधादि प्रणय घन सारे सुरभिताम, समन्तात संतापोद्गम विषम संसार सरणी, प्रणिताम ते तृष्णा हरतु हरि लीला शिखरणी। देखो ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। अभी क्या सुना? जब रूप गोस्वामी जी ने नाम की महिमा लिखी, तो कौन नाचने लगा? नामाचार्य। अभी और सुनो आनंद की बात। अब रूप गोस्वामी जी का ने जब ये श्लोक कहा, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्री रूप गोस्वामी जी बतलाते हैं, हम जो जीव हैं, ये संसार रूपी सरणी, सरणी अर्थात ये एक सरोवर है जिसमें सारे जीव निमग्न हैं, और इस सरोवर से सब समय क्या निकल रहा है? तीर्थाव निकल रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट। ये संसार ऐसी सरणी है,
हम तपाए हुए हैं इस सरणी में, रात दिन जल रहे हैं कष्टों में। तो श्री रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के जेठ के महीने में, जून जुलाई के महीने में कोई व्यक्ति गर्मी में बाहर से आए भरी दोपहरी में, तो उसको क्या लगेगी, प्यास लगेगी, तृष्णा होगी कि कुछ शीतल मिल जाए, गले में चला जाए तो हृदय को प्राण जैसे वापस मिल जाए। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ऐसे ही हम लोग क्या है, इस संसार रूपी सरणी से जो एक त्रिताप निकल रहे ना, हम इसमें जल रहे हैं रात दिन, और हम लोगों को शीतलता क्या देगी, हरी लीला शिखरणी। शिखरणी एक पेय पदार्थ है, पीने वाली एक वस्तु है, जो दही दूध गुलमरीच काली मिर्ची मिश्री देकर बनाया जाता है, कपूर देते हैं उसमें, बड़ी ठंडी होती है, जिन लोगों को लू लग जाती है ना उनको शिखरणी पिलाई जाती है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी कृष्ण लीला की तुलना किससे कर रहे हैं, हरी लीला शिखरणी। क्या कहते हुए, ये हरी लीला रूपी शिखरणी, जब तुम इस हरी लीला रूपी शिखरणी का पान करोगे ना भक्तों के साथ में, तो तुम्हारी ये जो संसार रूपी ज्वाला है ये संपूर्ण रूप में बुझ जाएगी, मिट जाएगी। किंतु कौन सी हरी लीला रूपी शिखरणी, ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है, कौन सी हरी लीला रूपी शिखरणी, जो श्रीमती राधा रानी के माधुर्यमय घनीभूत प्रेम से जो सुगंधित है, जैसे शिखरणी में कपूर डाल देना तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, ऐसे कौन सी हरी लीला रूपी शिखरणी, जो श्रीमती राधा जी के घनीभूत प्रेम से सुरभित है, जब तुम वो हरी लीला रूपी शिखरणी का पान करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारे सारे जो संसार का ताप है ना, ये सारा ताप तुम्हारा चला जाएगा। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी की कथा का भी यही वैशिष्ट्य था, कहीं से भी आरंभ करते थे ब्रज लीला, उसमें भी ब्रज गोपी, उसमें भी राधा जी की महिमा पर समाप्त करते थे। किस लिए, क्योंकि जब तक कोई जीव इस ब्रज लीला में, ये रूप शिक्षा में पढ़ेंगे अभी आप लोग सुनेंगे अभी, ब्रज लीला में जब तक कोई जीव कृष्ण लीला में प्रवेश ना करे, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांत, जब तक जीव ये ब्रजवासियों के जैसी भक्ति नहीं करेगा उसको संपूर्ण रूप में शांति नहीं मिल सकती। लक्ष्मी देवी कौन है, नारायण के वक्ष पर रहती सब समय, वो शांत है, लक्ष्मी भी शांत नहीं है, वो कृष्ण के रास को देख करके विचलित हो जाती है और आज भी बेलवन में तपस्या कर रही है। तो विचार कर लो, जब लक्ष्मी शांत नहीं है और कौन शांत होगा, इसलिए केवल ब्रजवासी, उनमें भी ब्रज गोपी जो राधा जी का अनुगत्य करेंगे केवल वही संपूर्ण रूप में शांत हो सकते हैं। रूप गोस्वामी जी ने जब ऐसी महिमा कही, अब इसके आगे तो बड़ा सारा प्रसंग है, समय हो गया इसलिए मैं समाप्त कर दूंगा, किंतु बड़ी सारी बात श्री राय रामानंद जी ने रूप गोस्वामी जी से पूछी, और बताओ आप अपने ग्रंथ में क्या लिख रहे हो, प्रेम विकार क्या है, चेष्टा क्या है, ग्रंथ के सब लक्षण पूछे, प्रेम किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो क्या है, सब कुछ बताया रूप गोस्वामी जी ने। पीड़ा भिरण अवकाल कूट करता गर्भस्य निर्वासन, फिर कभी सुन लेना समय होगा तो। किंतु मूल बात क्या है, जब रूप गोस्वामी जी ने रस का वर्णन कर दिया ना, और सुन कौन रहा है, पूछ कौन रहा है, राय रामानंद जी कौन है, राय रामानंद जी कौन है, जैसे जैसे हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य हैं, राय रामानंद जी कौन है, वो रसाचार्य हैं। ये रसाचार्य की उपाधि उनको किसने दी, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु के एक भक्त थे प्रद्युम्न मिश्र, एक दिन महाप्रभु के घर में गए गंभीरा में, महाप्रभु से कहा प्रभु हमारी हरि कथा सुनने की इच्छा है। महाप्रभु ने कहा जाओ राय रामानंद के पास चले जाओ, उनसे हरि कथा सुन लो, मैं नहीं जानता जितना राय रामानंद जानते हैं, मैं सब कुछ राय रामानंद के मुख से सुनकर कहता हूँ। वो गए, दासियां जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी जगन्नाथ जी को अपना सम्मान लेती थी, आजकल ये प्रथा बंद हो गई। उस समय राय रामानंद जी उन देवदासियों को शिक्षा दे रहे थे कि जगन्नाथ जी को कैसे कीर्तन करना है, कैसे नृत्य करना है। जब ये प्रद्युम्न मिश्र जी पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये कैसे संत हैं। तो मन में विचार करके लौट आए वापस, राय रामानंद जी के साथ भेंट तो की किंतु बोले नहीं कुछ कि हमको महाप्रभु ने भेजा आपके पास कथा सुनने के लिए। वापस लौट आए, महाप्रभु के निकट में गए, महाप्रभु ने पूछा अरे हरि कथा सुनी, कहते सब कुछ बता दिया प्रभु, हरि कथा सुनने तो गए थे किंतु ऐसा सब देखा। तब महाप्रभु ने अपने मुख से राय रामानंद जी की जो महिमा कही, बड़ी सुंदर महिमा महाप्रभु ने राय रामानंद जी की कही, और वो महिमा कहकर के वापस प्रद्युम्न मिश्र जी को भेजा, जाओ अब की बार कहना मुझको प्रभु ने भेजा हरि कथा सुनने के लिए। अब जब ये प्रद्युम्न मिश्र पहुंचे, किसके पास पहुंचे, और जब हरि कथा सुनी लौट कर महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु ने पूछा हरि कथा सुनी, तब क्या उत्तर दिया, कहते राय रामानंद कथा कही देना हो, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसमय। अरे प्रभु मैं राय रामानंद जी के विषय में क्या कहूँ, ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात कौन है, कृष्ण भक्ति रस नहीं रूप ले लिया,
ये राय रामानंद जी मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण भक्ति रस का ही मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसे राय रामानंद जी है रसाचार्य, जो रात दिन महाप्रभु जी को गंभीरा में क्या सुनाते हैं, चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति करणामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने नाचे गाये परमानंद। ये स्वरूप दामोदर जी रात दिन महाप्रभु को रस का आस्वादन कराते हैं, ये ऐसे रसाचार्य हैं राय रामानंद जी। जब इन रसाचार्य राय रामानंद जी ने, हमारा विषय क्या चल रहा था, श्री रूप गोस्वामी जी के मुख से क्या सुन रहे हैं राय रामानंद जी, विदग्ध माधव ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा, जब रूप गोस्वामी जी से सब कुछ पूछ लिया तब राय रामानंद जी महाप्रभु जी के चरणों में क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, राय रामानंद जी। वो कौन है, पहले क्या सुना था, नाम की महिमा कही तो नामाचार्य नाचने लगे, अब जब रस का वर्णन किया तो रसाचार्य नाचते हुए महाप्रभु से क्या कहते हैं, तो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे रूपे रे कवित्व तो प्रशंसी सहस्र वरने कवित्व तो ना हो यही अमृतेर धार नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार प्रेम परिपाठी यही अद्भुत वर्णन सुनी चित्त करने होय आनंद पूर्णन। कौन कह रहा है, क्या कह रहे हैं, समझ में आया, हम समझाते हैं, क्या कह रहे राय रामानंद जी, प्रभु ऐ तो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे महाप्रभु के चरणों में कहते हैं रूपे रे कवित्व तो प्रशंसी शास्त्र बदने, प्रभु ये क्या सुना दिया आपने हमको, सौ सौ मुख हो गए, हजार हजार मुख हो गए रूप गोस्वामी जी के कवित्व तो, उनके ग्रंथ को सुन करके ये कहते हुए कवित्व तो ना हो ये अमृत धार, प्रभु ये कवित्व तो नहीं है, ये तो अमृत की धार है, नाटक लक्षण सब सिद्धांत सार, और जो ये लिखा है ये सारे सिद्धांतों का सार है, प्रेम परिपाटी यही अद्भुत वर्णन, जैसा प्रेम का इन्होंने वर्णन किया ये तो अद्भुत है, सुनी चित्त करने भय आनंद घूर्णन, प्रभु इसको सुन करके तो मेरा चित्त और मेरे कान आनंद से घूम रहे, चक्कर आ रहा है। कौन कह रहा है बात, क्या सुन करके, रस किसके मुख से, रूप गोस्वामी जी के मुख से, ये रूप गोस्वामी जी की महिमा है। जब वो नाम की महिमा का गुणगान करते नामाचार्य उठकर नृत्य करते हैं, जब वो रस का वर्णन करते रसाचार्य उठकर नृत्य करते हैं, ये रूप गोस्वामी जी की महिमा है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने क्या कहा है, क्या कहा, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिम स्वपदांतिकम। और भी एक बात कही है, आद दानस्तिदं दन्तेरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमद रूपपादं भोजभूमि श्याम जन्म जन्मनि। जन्म जन्म में यदि मुझको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो क्या मिल जाए, केवल श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की एक धूली मिल जाए मुझको, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर जी, हमारे संप्रदाय के अत्यंत प्रमाणिक रसिक आचार्य। केवल नरोत्तम दास ठाकुर नहीं, सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, सबने एक स्वर से श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की एक धूली कणा होने के लिए प्रार्थना की है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी इस बात को कहते थे, हमारे साधन भजन का मूल लक्ष्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, ये रूप गोस्वामी जी के चरणों की एक धूली कणा होना। ये तो हमने केवल एक दिग्दर्शन, उस बूंद का भी एक बूंद है ये, जो कुछ हमने सुना हमारे गुरु जी के शब्दों को, ये रूप गोस्वामी जी की ऐसी अद्भुत अपार महिमा है। एक एक ग्रंथ को जब रूप गोस्वामी जी के पढ़ेंगे, एक एक शब्द को जब देखेंगे, ऐसा लगेगा सारे सिद्धांतों का सार है। कौन सा भक्ति राज्य का ऐसा विषय है जिसको श्री रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया, भक्ति की व्याख्या, भाव की व्याख्या, साधन के विषय में क्या कुछ रूप गोस्वामी जी ने नहीं दिया। और एक रूप गोस्वामी जी की बड़ी विशेष महिमा है, बड़ी विशेष रूप गोस्वामी जी की एक महिमा, श्री रूप गोस्वामी जी ने अभी जैसे हमने सुना नाम की महिमा लिखी, क्या महिमा सुनी अभी बताओ, क्या महिमा सुनी, ये हरि नाम में क्या ऐसा आनंद भरा है, एक वो तो स्मरण है, तुमने तांडव मेरी तो झटकर बता दिया, किंतु सबको स्मरण करना चाहिए। देखो एक को तो स्मरण हुआ, हमारा उद्देश्य सफल हो गया, किंतु अब अगली बार जब आए सबको स्मरण होना चाहिए, तब वास्तव में हमारे गुरु पाद पदों का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। किंतु श्री रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट क्या है, ऐसी उन्होंने नाम की महिमा लिखी, किंतु हमको ऐसा आनंद का आस्वादन होता है जब हम हरि नाम करते हैं, हमारे मन में ऐसा आता है हमारे जीव कोटि कोटि जीव हो जाए, कोटि कोटि हमारे कान हो जाए, ऐसा आता है हमारे मन में। किंतु श्री रूप गोस्वामी जी का यही वैशिष्ट है, नाम की ऐसी मधुरिमा है, ऐसा महिमा नाम की, ऐसा रस है, उसको हम कैसे आस्वादन कर सकते हैं, रूप गोस्वामी जी ने इसका भी उपाय बताया। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे रूप गोस्वामी जी का ये वैशिष्ट है, उन्होंने केवल उस रस का वर्णन नहीं किया,
उस रस को हम साधक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने ये भी बताया ये नाम की जो ऐसी माधुरी है, ऐसी मधुरिमा, इसको हम कैसे आस्वादन कर सकते हैं, ये भी रूप गोस्वामी जी ने बतलाते हुए क्या कहा है, स्यात् कृष्णनाम चरितादि सीताप्य विद्या तप्त रस नस्य न रोचिकानु कित्वा दरादनु दिनम खलु सैव जुष्टा स्वात्वी कर्मात् भक्ति तद्गत मूलहंत्री। आप देखो अभी प्रभु जी जो श्लोक बताए इसका जो व्याख्या करेंगी आप लोग ध्यान से सुना, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, नाम की तो इतने महिमा है। अभी प्रश्न है हमें नाम में रुचि की नहीं आता है, टीवी को सामने बैठ जाना 3-3 घंटा सीरियल में निकल जाती है, लेकिन जब बोलो हरिनाम करने के लिए उसमें रुचि नहीं होता है हमारे, बोले उसमें नाम तो मधुर सभी मधुर है, बोले मंगल सभी मंगल है, लेकिन अभी ये नाम में हमारे पर रुचि क्यों नहीं होता, ये गद्दी चीज में रुचि क्यों हो जाती है, अभी धीरे धीरे उसमें रुचि कैसे होगा। इसलिए रूप गोस्वामी हर बात को, ऐसे कोई बात नहीं जो रूप गोस्वामी ने नहीं बताया। अभी ये जो श्लोक बोल रहे ना प्रभु जब व्याख्या करेंगे इसको थोड़ी सी गांठ बांध कर साथ में ले जाए, कौन कौन गांठ बांध कर ले जाए, इसको अच्छे तरह से गांठ बांध कर ले लो, ये भगवान का नाम तो मीठा अभी क्यों नहीं लग रहा है और अभी मीठा लगे कैसे, ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक, इसलिए अच्छे तरह से प्रभु बताओ नाम में रुचि कैसे होगा, इस श्लोक में इसी चीज बता रहे। तो श्री रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं कि स्यात् श्री कृष्ण नाम चरित आदि सीताप्य विद्या, हम जो जीव हैं हम अभी अविद्या से ग्रस्त हैं, जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद जी श्लोक में बता रहे पित्तोक्त रसनस्य न रोचिकानु, रसनस्य अर्थात जो जीवा, जैसे कोई पित्त का रोगी हो जाए, पित्त का रोगी हो जाए ना उसकी औषधि क्या है, उसको मिश्री दी जाती है, उसकी औषधि है मिश्री दो, किंतु जब कोई पित्त का रोगी है उसको पित्त के रोग ने पकड़ लिया, उसकी औषधि जब उसको मिश्री दी जाती है तो मिश्री उसको कड़वी प्रतीत होती है आरंभ में, उसको आरंभ में वो मिश्री कड़वी प्रतीत होती है, किंतु चिकित्सक कहता है ये कड़वी मिश्री ही आपको बार 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 ग्रहण करना है, इसको छोड़ना नहीं है, यही पथ्य है, यही आपकी औषधि है, कर्म अनुसार धीरे धीरे जब आपका रोग जाएगा इस औषधि के प्रभाव से, यही मिश्री आपको एक दिन मीठी प्रतीत होनी आरंभ हो जाएगी, मीठी लगने लगेगी। इसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हम जीव जो हैं अभी अविद्या से ग्रस्त हैं, किंतु अविद्या से ग्रस्त होने के कारण जो ये श्री हरि नाम है ना, इसका जो ऐसा माधुर्य है, इसमें जो ऐसा रस भरा हुआ है, वो हमको अभी आस्वादन नहीं हो रहा, किंतु अभी साधन काल में हमको क्या करना है, औषधि स्वरूप ये हरि नाम को औषधि के रूप में बिना नागा के हमको निरंतर जप करना है, छोड़ना नहीं है इसको औषधि समझ करके, करते 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 एक दिन जब हमारी ये अविद्या दूर हो जाएगी, जैसे पित्त के रोगी की अविद्या दूर होने पर आरंभ में कड़वी लगने वाली मिश्री अंत में मीठी हो जाती है, ऐसे ही आरंभ में जो अभी हम बलपूर्वक कर रहे हैं कितना तो हरिनाम गुरु जी ने कहा है, साधन समझ के नियम पूर्वक जैसे गोस्वामियों का सुन रहे संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या रखकर करते 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 एक दिन श्री नाम प्रभु की कृपा से ही ये नाम का जो माधुर्य है वो हमको आस्वादन होना आरंभ हो जाएगा। इस विषय में एक बात को बड़ा ध्यान रखना है, वैष्णव अपराध से हमको श्री रूप शिक्षा में अभी आप ये भी सुनेंगे, वैष्णव अपराध से बड़ा हमको सावधान रहना है, नाम में ऐसी माधुरी है किंतु इसका हमको अनुभव नहीं होता है, किस लिए क्योंकि हृदय जो है वो अपराधों के कारण पत्थर जैसा कठोर हो गया, तदश्मसारम हृदय वतेदम यद ग्रह्यमाणे हरि नाम देये, ये हृदय जो है वो पत्थर के समान कठोर हो गया, इसलिए हमको नाम का हरि कथा का सुनने पर ऐसा रस नहीं आता, बलपूर्वक बैठना पड़ता है, बार बार ध्यान देना पड़ता है, किंतु साधन करते करते जैसे रूप गोस्वामी जी ने बताया ना अतो श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनंत निवृत्ति निष्ठा उसके बाद रुचि, ये जब रुचि की दशा आ जाएगी ना, ये ऐसी एक दशा है कि भजन में रुचि आ जाएगी, हरिनाम करते समय भोजन करने के लिए भी कोई बुलाए तो बाधा अनुभव होगी, यदि शौचालय जाना पड़ेगा तब भी बाधा अनुभव होगी, नाम छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, हरि कथा सुनते समय ऐसा लगेगा समय रुक जाए बस हरि कथा समाप्त ना हो, ये रुचि की दशा जब आ जाएगी तब ऐसा अनुभव होगा, वो दशा आने तक हमको क्या करना पड़ेगा, ये नियम पूर्वक जैसे गोस्वामी ने किया है। तो रूप गोस्वामी जी का ये वैशिष्ट्य है, उन्होंने केवल नाम की माधुरी का वर्णन नहीं किया, हम उस माधुरी का कैसे आस्वादन करेंगे इसका भी वर्णन किया, उन्होंने केवल रस का वर्णन नहीं किया, उन्होंने ये भी बताया हम उस रस सागर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा अनंत अपार है, हमने कुछ गुरु जी के मुख से जो दो एक शब्द को सुने थे उसको चरवी चरवण करने की चेष्टा की है, ये श्री रूप शिक्षा मेरा निवेदन है आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, वैसे भी
श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से जब सुनने को मिले तो ये और सौभाग्य की बात है। इसलिए महाराज जी स्वयं यहाँ उपस्थित है, और भी भक्त लोग आएंगे, वो जो ये इस रूप शिक्षा का जो पाठ कर रहे हैं इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसमें साधन से लेकर ब्रज रस, पांच प्रकार के मुख्य रस, सात प्रकार के गौण रस, स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यवचारी भाव, सब कुछ महाप्रभु ने वर्णन किया अत्यंत संक्षेप में, सब कुछ इस रूप शिक्षा में। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्री रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं को हम श्री गुरु जी से वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करेंगे, हम कुछ अपने जीवन में अपना सके। देखो हमारे गुरु महाराज जी एक बात कहते थे, उस बात को कहकर मैं समाप्त कर दूंगा। हमारे गुरु जी इस बात को कहते थे हमको प्रतिदिन, रूप गोस्वामी जी की तिथि पर उन्होंने कभी ये बात कही, सुनना ध्यान से इस बात को। गुरु जी कहते हैं हमको प्रतिदिन अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए। पत्रिका में भी गुरु जी का ये जो वचन है ये प्रकाशित हुआ है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे, विस्तार से मांग लेंगे भक्तों के निकट में। गुरु जी कहते हैं हम लोगों को प्रतिदिन अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए हम कितने परिमाण में रूप गोस्वामी जी का अनुसरण कर रहे हैं, कितने परिमाण में रूप गोस्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम उनका अनुसरण नहीं कर पा रहे, गुरु जी कह रहे हैं यदि हम उनका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जीवन को धारण करने का कोई प्रयोजन नहीं है। ये गुरु महाराज जी कहते हैं हमको प्रतिदिन अपने हृदय में झांक कर देखना है। ऐसा नहीं कि चलो कोई तिथि पालन हो रही है या वर्ष में एक बार रूप गोस्वामी जी की तिथि पालन हो रही है तो हम चले गए रूप सनातन गोड़िया मठ, एक दिन हम जाकर के अपनी उपस्थिति वहां पर लगाया है कि हाँ हम गए, या यहाँ तिथि मन रही है एक दिन चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। गुरु जी कह रहे प्रतिदिन हृदय में झांक कर देखना है कितने परिमाण में हम रूप गोस्वामी जी का अनुसरण कर रहे हैं। यदि ठीक ठीक रूप में उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं हमारे जीवन को धारण करने का कोई प्रयोजन नहीं। हमारे गुरु जी इस बात को कहते थे मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया है, ये गुरु जी के बार बार कहे गए शब्द हैं। गुरु जी कहते थे मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया है। वो उन्नत साधु संग क्या है? ये रूप गोस्वामी जी की शिक्षा, ये सनातन गोस्वामी जी की शिक्षा, ये ब्रज भक्ति जो भी आप सुन रहे थे, हमारे गुरु महाराज जी का बड़ा विशेष आदर्श है, बड़ा विशेष गुरु जी का वैशिष्ट है। वो वास्तव में रूपानुभाचार्यों में अन्यतम महापुरुष हैं। वो ऐसी दुर्लभ संपत्ति गुरुपाद पद्म देकर गए हैं श्री रूप गोस्वामी जी के प्रति, श्री रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं के प्रति, श्री रूप गोस्वामी जी के आदर्श के प्रति कैसा उनका अनुराग था, कैसा उन्होंने रूप गोस्वामी जी का अनुसरण करना अपने जीवन में दिखाया। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिपसुना कार्य ब्रज लोक अनुसारता, किसी एक ब्रजवासी का अनुसारता अनुसरण करना, ये हमारे गुरु महाराज जी ने रूप गोस्वामी जी का कैसा अनुसरण किया। बाहर से साधक देह के समान जैसे गोस्वामी लोग संख्या से हरि नाम करते हैं, हरि कथा कहते हैं, हरि कथा सुनते हैं ऐसे, और सिद्ध देह से मने निज सिद्ध देह करिया भावन, निज सिद्ध देह से मानसिक रूप से राधा कृष्ण की सेवा, ये हमारे गुरु महाराज जी ने रूप गोस्वामी जी का संपूर्ण रूप में हमको अनुसरण करके दिखलाया है। इसलिए गुरु जी कहते हैं मैंने बड़ा उन्नत साधु संग दिया है। इसलिए समय बस बीता जा रहा है, समय बस व्यतीत होता जा रहा है, दूसरी दूसरी चीजों को छोड़ करके गुरु महाराज जी की जो शिक्षा है, गुरु जी की शिक्षा का अर्थ रूप गोस्वामी जी की शिक्षा, सनातन गोस्वामी जी की शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की शिक्षा, उस पर हमको अपना ध्यान केंद्रित करके यदि हम उसमें थोड़ा सा भी ले लें हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे जी। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करना आ जाओ। रोहिणी प्रभु जी आप कुछ बोलना है? रोहिणी ठीक है जी, इधर आ जाओ, जो कुछ अनाउंसमेंट कर लो। हरे कृष्ण। देखो प्रभु ने जो कथा बताई है हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि इसी परंपरा में आए। आप किसी दूसरे वैष्णव परंपरा में जाओ इतना ग्रंथ आपको सुनने को नहीं मिलेगा, इतने ग्रंथ सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी गोस्वामी लोगों ने एक एक गोस्वामियों ने इतने सारे ग्रंथ की रूपों गोस्वामी की इतने ग्रंथ, अभी हम कोशिश करेंगे जो रोज रोज कथा होगी एक एक ग्रंथ को ऊपर में हम कोशिश करेंगे सुनने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की, जीव गोस्वामी की, महाप्रभु जब आए ना संपूर्ण गोलोक वृंदावन से अपना निकुंज मंदिर को उन्होंने उतार दिया, पूरा गोलोक वृंदावन की राधा रानी की निकुंज मंदिर यहाँ पर श्री महाप्रभु ने उतार दिया। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हम लोग इसी संप्रदाय में आए और इतने कथाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसलिए देखो गुरु जी की कृपा से ये मंदिर बना है, अभी ये मंदिर में आते रहना। ऐसे नहीं आज संडे इसलिए यहाँ पर आ गए, अभी हम लोग कुछ दिन रहेंगे, उस दिन तक इन्हीं के ऊपर में
अभी जो महाप्रभु जो अपना मुंह से इनको शिक्षा दिया, अद्भुत शिक्षा उन्होंने दिया है, साधन से लेकर के अंतिम सीधा तक, जब तक ठाकुर जी के पास में नहीं पहुंच जाते हैं, ये शिक्षा को उन्होंने दिया है। और मेरे जो गुरु जी भक्ति श्री उशिला सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, इनको जो 31 उपदेश में उसमें विशेष करके उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा को ही उन्होंने अंतिम उपदेश रूप में दिया। बस इतने महत्वपूर्ण की उपदेश है। अभी हम लोग रोज सुनेंगे। देखो अगर साधु संग नहीं करोगे ना, अभी रूप गोस्वामी ये भी आगे बताएंगे, गुरुदेव तो अपना हृदय एक खेत है, उसमें जो मंत्र दिया हरिनाम दिया उन्होंने तो बीज बो दिया, अगर उसमें पानी नहीं देगा तो तब तक जिंदा रहेगा, वो सूख जाएगी। अपना घर में देखना, अगर एक दिन भी झाड़ू गुहारी मत लगाओ ना, दूसरे दिन धूल जम जाती है। एक दिन भी अगर झाड़ू गुहारी मत लगाओ और झाड़ी गुहारी किया बोले वैष्णव का संग है। इसलिए मैंने देखा कुछ लोग तो हरिनाम लेकर गए, कुछ दिन बाद में गले से कट्टी उतर गई। मैंने कहा भैया ये कट्टी कैसे उतर गई? बोले टूट गई। बोले तुम्हारी सोने की चेन टूटी नहीं और गले की कट्टी तुम्हारी टूट गई। इसलिए गुरुदेव ध्यान देकर सुनो, गुरुदेव कहते थे अगर गले से, जब गुरु जी से एक बार माला लेते हैं गले में, अगर ये माला टूट गई जब तक दो बार मत पहन लो, तब तक पानी भी मत पिया करो। पानी भी पियोगे वो भी अपवित्र है, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं और पीते हैं गले में जब कंठी रहती है, इसलिए इसका नाम कंठी। कंठी मतलब जो कंठ में रहे, जब जो कुछ खाए और पिए वो टच करते हुए अंदर में जाता है, वो पवित्र बनकर के जाती है। जब कोई बोली बोले वो पवित्र बनकर के निकलती है। इसलिए गले से अगर कंठी उतर गया उसको दूसरे धागा में खो लेना, जब तक कंठी नहीं पहनना तब तक पानी नहीं पीना, पाप लगेगा मेरे। इसलिए गुरु जी से हमने माला लिए, कुछ दिन बाद बोलता तो माला जब करती हो बोले समय नहीं मिलता। टीवी देखने के लिए कितना समय सीरियल देखती हो, बैठ जाओ 3-3 घंटा उसमें निकाल देते हैं, नहीं। गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव ने हरिनाम माला दी, ये हरिनाम नहीं दिया गुरुदेव ने, गुरुदेव ने कृष्ण दिया। अगर एक दिन हमने माला नहीं जबकि मतलब है ठाकुर जी को आज तुमने भूखे दिन भर रख दिया, ठाकुर स्नान नहीं किए, ठाकुर का कपड़ा तुमने नहीं बदलाया, आज गुरुदेव खुद बोलते थे तुमने हरिनाम को आज तुमने भगवान को भूखे तुमने रख दिया। अभी हरिदास ठाकुर कथा सुना रहे थे ना, महाप्रभु ये 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 3-3 लाख, समझ रहे हो, 3-3 लाख, 3 बार 64-64-64 माला। और महाप्रभु क्या करते थे, हरिनाम करते थे, इसलिए महाप्रभु रोज आकर उनको दर्शन देते थे, साक्षात भगवान दर्शन देते थे। और अंतिम समय में जब इन्होंने शरीर छोड़े, महाप्रभु स्वयं इनको गोद में लेकर के भगवान स्वयं समाधि, समुद्र में स्नान कराया, इनके लिए महाप्रभु भिक्षा मांगे और भक्तों को बैठा करके उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने प्रसाद वितरण किया। क्यों? उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 3-3 लाख हरिनाम करते थे। इसलिए महाप्रभु जब इनको पास में प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो। बोले प्रभु आज मैं प्रसाद नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले मैं जो 3 लाख हरिनाम करता था अभी 3 लाख हरिनाम मेरी पूरी नहीं, अब 1 लाख हरिनाम करो कितना समय लगेगा बताओ, 6-7 घंटा तक लगेगा। अगर तो 3 लाख हरिनाम करते हैं कितना समय लगेगा बताओ, 20-21 घंटा वो कंटिन्यू ये हरिनाम करते थे। जब उनको पास में लेकर प्रसाद, आज नहीं ले सकता हूँ, आज मेरी माला पूरी नहीं हुई है। इसलिए इतने में हरिदास ठाकुर महाप्रभु ने कहा देखो हरिदास अभी तुम वृद्ध हो गए हो तुम्हारी नाम थोड़ा कम करो। देखो उन्होंने क्या बताया, बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। प्रभु मेरी शरीर तो चंगा है ठीक है, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा असुस्त। मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कोई अगर शादी के लिए जाना है ना, नहीं तो सिनेमा देखने के लिए जाना, 5 घंटा जैसे घर का काम 2 घंटा में निपटाएंगे और 3 घंटा निकाल कर जाए। शादी में जा तो पहले सोचते हैं पार्टी में कैसे जाना, कैसे कपड़े, कैसे सूट और कैसे बूट और मैच, देखना हर काम के लिए पहले तो उसके लिए समय निकालेंगे। लेकिन जब हरिनाम की बात बताओ ना, इतने बहानाबाजी, ये हो गया था ये हो गया, लेकिन दूसरे काम के लिए कोई बहानाबाजी नहीं मिला नहीं। इसलिए वो कहते हैं
शरीर मेरा सुस्त है लेकिन असुस्त बुद्धिमानी जो मन है ये असुस्त, ये बड़ा दुष्ट है, ये मन इतने दुष्ट है ना। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते थे, सवेरे उठो और अपना जूती लेकर सब बार इसको पीटो, कितना बार पीटो, मतलब क्या है, ये मन को समझाओ बेटा, भले ही खाना एक दिन नहीं खाएंगे लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसलिए पहले भोजन उसको बाद में भजन उसके बाद में भोजन। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं जब तक कुछ माला नहीं करेंगे तब खाना नहीं खाना, ऐसे नहीं रात भर, हम तो उल्लू हो गए, उल्लू जानते हो, उल्लू क्या करता है वो दिन में उल्लू सोता है और रात में जागता है, इसका मतलब हम भी एक दो बजे तक ना उल्लू जैसे आप फाड़ फाड़ करके उल्टा पुल्टा चीज देखते रहेंगे और जहां सोनी चाहिए वहां पर तो जगेंगे और जगते समय सोएंगे और रात में तो उल्लू जैसे जगते रहेंगे और दिन में सोएंगे। इसलिए हम इंसान नहीं, हम कौन है, कौन है उल्लू, आप उल्लू बनना चाहते नहीं, इसलिए टाइम से सोया करो, टाइम से सवेरे उठ करके पहले अपना साधन भजन रोज क्या करनी चाहिए, रोज सवेरे उठ करके सबसे पहले नहा धो करके, मैंने बताया ना चार तरह का स्नान, कितना तरह का बताओ, ये ऋषि स्नान किसको कहते हैं, जोर से बोलो, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कर ले वो ऋषि स्नान, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं किसको, सूर्य उदय से एक घंटा 36 मिनट ये ब्रह्म मुहूर्त, उसी समय जो स्नान करते ऋषियों का स्नान, उसको बाद में देव स्नान, देव स्नान किसको कहते हैं, ठीक सूर्य उदय होने से पहले जो नहा ले, और जो नर स्नान इंसान स्नान किसको कहते हैं, सूर्य उदय में कम से कम नहा लो, और सूर्य उदय को बाद में जो स्नान करते कौन सा स्नान है, कौन सा स्नान, राक्षस स्नान है, इसलिए हमें राक्षस स्नान नहीं करनी है, हमें ऋषि स्नान करनी चाहिए कम से कम। देखो शास्त्र में बताया जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद में सोते हैं, एक तो पहला नंबर आयु क्षय होगा, जल्दी मरेगा, घर में माँ लक्ष्मी नाराज होती, घर में तुम्हारी लक्ष्मी नहीं आई, धीरे धीरे लक्ष्मी जाती रहेगी, इसलिए पहले लोगों को देख लो, आप तुम्हारी माता जी को देख लो, तुम्हारे पिताजी को पहले देख लो, कितने बजे उठते थे, सवेरे उठते थे, सबके सब सवेरे उठते थे, नहा धोकर ठाकुर को पूजा, क्योंकि जो सवेरे का समय है उसी समय शंकर जी अपना चर भूत विशाच को लेकर घूमते हैं, जो व्यक्ति सवेरे समय सोता है उसको सर्प पर में जितने भूत विशाच उसको सर्प पर सवार हो जाता है, दिन भर बुद्धि भ्रष्ट रहे, उसका बुद्धि कभी भी सही नहीं, दिन भर भ्रष्ट रहेगा, इसलिए सवेरे क्यों भजन करते हैं, अब स्वयं देख लेना, सवेरे बैठ कर हरिनाम करो मन तो अपने आप भजन करेगा, क्योंकि समय का है, समय अपनी आप उस समय सत्व गुण अपने आप, दिन होगा तो रजोगुण रात में तमोगुण बढ़ती है, इसलिए सवेरे आप एक घंटा बैठ कर भजन करो, हमारे गुरु जी कहते थे सवेरे एक घंटा बैठ कर हरिनाम भजन करो, दिन भर का जो भजन एक घंटा का साथ में बराबर नहीं कर सकते, ऐसे मन भजन में लग जाती है, इसलिए हमें उल्लू नहीं बनना है, हमें उल्लू नहीं बननी है हमें, ठीक है ना, इसलिए उल्लू नहीं बन कर इंसान बनना चाहिए, इसलिए गुरु जी जो माला दिए पहले हरिनाम जब तक नहीं करेंगे भोजन नहीं करेंगे, और तिलक लगाना ऐसे नहीं, तिलक की कोई जरूरत नहीं, महाप्रभु क्लास ऐसे नहीं यहाँ पर आए, कोई कोई सोचते हैं अगर बगैर तिलक के जाएंगे मैं तो डांट देता हूँ, इसलिए तुमने तिलक नहीं लगाया, नहीं गुरु जी अगर देखेंगे बगैर तिलक के फिर तो गुरु जी डांट लगा दे, क्या गुरु जी यही पर, क्या गुरु जी तुम्हारे घर में नहीं है, क्या यहाँ गुरु जी को दिखाना चाहते हो, भगवान देख नहीं रहे कि नहीं, ठाकुर जी को पता है कि नहीं, ठाकुर को ठग सकते हो, नहीं ऐसे नहीं, गुरु जी को दिखाने के लिए यहाँ पर तिलक लगाकर यहाँ गए नहीं, घर में सबसे पहले नहा धो करके पहला काम तिलक लगाना, जब तक तिलक नहीं लगाओगे ठाकुर को कोई सेवा पूजा कुछ भी करने का तुम्हारे अधिकार नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण को देखो तिलक, राम को देखो तिलक, नारायण को देखो तिलक, हनुमान को तिलक, वो अब किसी देवता को देख लो तिलक लगा, ठीक है ना, इसलिए घर में पक्के चेले बना दो, कच्चे चेले मत बना करो, इसलिए चेले हमें पक्के चेले बनाने चाहिए, और अभी यहाँ कथा कुछ दिन तक हुई की कोशिश करना, यहाँ रोज आने के लिए, यहाँ रोज आने के लिए कोशिश करना, और बीच में श्री रोज पहले भी सुन चुके हैं कि अगर वैष्णव आज्ञा हुई है, गुरु आज्ञा हुई है, उसका पालन करो, उससे बस क्या होगा, कल्याण ही होगा, तो बस महाराज जी के
आदेश का पालन करते हुए जो उनसे गुरुदेव से वैष्णवों से जो सुना है एक प्रकार से शेयर करने की चेष्टा करूंगा। यहाँ पे सब श्रेष्ठ वैष्णव भी बैठे हैं, जहाँ मैं गलती करूंगा बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए, वहीं पर मुझे करेक्ट भी कर दिया जाएगा। देखो अभी हमने बहुत कथाएं कई दिनों से सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, तो एक उदाहरण से समझने की चेष्टा करेंगे। ये नहीं कि उदाहरण में ही कूद जाएं और उदाहरण से हम जो समझना चाहते हैं उसको ना समझ के हम उदाहरण पे लड़ने लग जाएं, आपने इसको ऐसा कैसे कह दिया, आपने उसको वैसा कैसे कह दिया। तो उदाहरण क्या है कि समुद्र हमने देखा है, समुद्र हमने देखा है, अगर उस समुद्र में मैं एक चींटी को फेंकूंगा तो चींटी की क्या हालत होगी, चींटी की क्या हालत होगी। अगर वो समुद्र में चींटी सोचे कि मैं कूदती हूं और समुद्र का पान करती हूं, क्या हालत होगी चींटी की, राम नाम सत्य। तो ऐसे ही महाप्रभु उस प्रेम का समुद्र है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण स्वयं है वो उस प्रेम का समुद्र है। तो अगर मेरे जैसे जीव, हालांकि चींटी से भी बहुत छोटा हूं, पर अगर इस तक उस रस का आस्वादन करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो प्रथम द्वार क्या किया था, जो हम भजन भी सुनते हैं, यंग कलि रूप शरीर न धरा, उसमें क्या बोल रहे हैं कि महाप्रभु के वो जो प्रेम समुद्र है भरा पड़ा है, अधिकार अनुसार उसको रसपान कैसे कराएंगे। महाप्रभु तो रस समुद्र है, अधिकार अनुसार कैसे कराएंगे, तो रूप गोस्वामी जी आए और उस